वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन टू अन अकेडमी। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। एंड लेट्स गो अहेड विद द सेशन अप देयर राइट ऑन। ओके, दैट इज द सेकंड मास्टर क्लास फॉर द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सो अनदर मैराथन, अनदर नाइट इन द मैराथन सेशन फॉर अस विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन द मिशन IAS 2022। Okay, so guys, please remember, you have to join me on my Telegram channel. Here we go, that's the name PMUPSC10. और ये जो Telegram channel है, याद रखना है, यही आपका promo code है. Okay, that is PMUPSC10, that is you are going to use for the Unacademy Plus subscription that is going to provide you the flat 10% of discount. And like, share और subscribe करना नहीं भूलना. Okay, video को like कर दिया होगा आपने अभी तक, नहीं किया है तो please do that. Share it as much as possible within your friends and family. And yes, please subscribe the channel as well as hit the bell icon so that you can get all of the notifications from the channel. Okay, guys, so I would like to have the confirmation that I am clearly visible as well as audible. All fine, guys, with the audio and the video. All sorted up? Yes, good evening, good evening, good evening, mere pyare bhaiyo behno. Kaise hain aap log? I didn't catch that. ओके कूल, सब बहन पक्का, चलो ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है, थैंक यू सो मच। तो मुझे उम्मीद है आप लोग डिनर विनर को जो है करके मस्त एकदम आ गए होंगे। ओके, सो गाइस, हम लोग ना कल डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था द डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट, दैट इज द इंडियन फोक डांसेस। ओके, और आज आगे बढ़ते हैं। और गाइस, प्लीज रिमेंबर द अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म, कौन इंतजार कर रहा है वहां पे, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जो आपका इंतजार कर रहे हैं। देन गाइस, प्लीज अवेल योर GS प्लस ऑप्शनल कॉम्बो एंड UPSC CSE कॉम्बैट, 56 क्वेश्चन, 60 मिनट्स, 26th ऑफ दिसंबर, दैट इज टुमारो, सो द नेक्स्ट 2nd of January, okay, 11 AM, okay, 26th of December and 2nd January, guys, please remember, the combat आपको देना है and accomplish your mission with an academy, तो आपको पता ही है, plus और iconic दो type के subscription जो हमारे पास हैं, और क्या है academy पे, plus के ऊपर, so live mentoring, 1:1 live mentoring, study planner, mains question answer writing practice, open house with educator, and apart from that, you can also take up the academy loan, okay, for the Unacademy Plus subscription, so 0% interest rate, 0% zero processing fee, flexible of the tenures and minimal of the paperwork, okay, and you know very well the types of subscription, the Plus and the Iconic, so Plus 36 months, 24 months, 12 months, okay, you have to apply the promo code PMUPSC10 and you will get the discounted prices, okay, in the Plus as well as in the Iconic, so you know the promo code, guys, use the promo code, UPSC qualify karna hai, यूपीएससी वाला कोड भी रखना है, ओके, सो प्लस और आइकॉनिक दोनों में डिफरेंस आपको भली भांति पता है, बहुत कायदे से पता है, ओके, और फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके पास है, द T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फॉर दिसंबर एंड अभियान डेली स्टैटिक क्विज 2.0, ओके, सो 15 MCQs, 15 मिनट्स, लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM, द T20 डेली करंट अफेयर्स एंड अभियान मंडे टू फ्राइडे 10 AM, ओके, सो जल्दी से कर लो, बिकॉज द फ्रेश बैचेस दे आर कमेंसिंग फ्रॉम 29th ऑफ दिसंबर, अनअकैडमी प्लस के जो फ्रेश बैचेस हैं दे आर कमेंसिंग फ्रॉम द 29th ऑफ दिसंबर, ओके, तो सेंटा की कहानी जो है वो ओवर हो चुकी है आज, अब अगले साल मिलेंगे हमें, सो फोक डांसेस को जो है आगे बढ़ाते हैं, ओके, सो बस आज पंखा ना चले क्लास में, अच्छा जी, चलिए, ओके गाइस, सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं, म्यूजिक पर आ चुके थे हम लोग, ओके, और हिंदुस्तानी म्यूजिक की जो है दास्तान को पूरा पढ़ चुके थे, आज हमें चलना है कहाँ, अपने कर्नाटिक म्यूजिक की तरफ, ओके, सो टुडे वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद दी कर्नाटिक म्यूजिक, ओके गाइस, सो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, एनी वन, द हिंदुस्तानी म्यूजिक वॉज डन, ओके, द कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में हमें जो है आज जानकारी लेनी थी, ओके, सो लेट्स प्रोसीड, ओके, हाँ तुसी डिनर करन, अभी डिनर हो जाएगा, डिनर देखो रात में होता है, ठीक है, और अभी तो हमारा जो है आगाज हुआ है, ठीक है, अभी तो रात जो है पूरी लंबी चलेगी, सो डिनर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हो जाएगा क्लास के बाद, ओके, सो गाइज, हिंदुस्तानी म्यूजिक ध्रुपड़ आपको याद होगा, देन वी गॉट द नेक्स्ट वन, ओके, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट ख्याल, ध्रुपड़ के बाद फिर हमने अलग अलग घराने देखे, ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने रिवाइज वगैरह कर लिया होगा, तराना स्टाइल, ठुमरी एंड ऑल, ओके, सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, टप्पा, ओके, ये भी डिस्कस कर चुके थे, गजल ये भी डिस्कस कर चुके थे, और अब हम आगे चलते हैं हमारे कर्नाटिक म्यूजिक की तरफ और दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ओके, ऑल सॉर्टेड अप गाइस,
ओके कूल है ना। ठीक भाई, ज्यादा लेट डिनर नहीं करना चाहिए। अरे यार, हम लोग ना आपसे देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपसे हम लोग चल दिए हैं हमारे लिक्विड डाइट पर। ओके, कहाँ चल दिए हैं? लिक्विड डाइट पर। ठीक है, बस आज कोई यार, अगर देखो यस ब्रदर, ओके अभी देखो, अभी सुबह, हाँ अभी तुम्हारी जो है दास्तान अभी तो लंबी चलेगी, है ना? ये हम लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है, ऐसे इतनी जल्दी डिनर विनर करके थोड़ी सो जाएंगे। हाँ आ गए, एक आग पंखा आ गया क्या? चलो कोई नहीं गाइस, देखो ऐसा है ना, वायरसेस के लिए अपने अपना दिमाग ना खराब करें, अपना जो है टाइम वायरसेस के पीछे ना वेस्ट करें। ठीक है, एंटीवायरस जल्दी ही आ रहा है, रिलैक्स रहे, टेंशन ना लें। ठीक है, रिलैक्स। ओके, जस्ट प्लीज रिमेंबर, एंटीवायरस हमारे पास है। ठीक है, और वो अभी नहीं है लेकिन जल्दी ही आएगा। ओके सो गाइस, चलिए देखते हैं हमारी जो है कर्नाटिक म्यूजिक की दास्तान आगे, हिंदुस्तानी वर्सेस दी कर्नाटिक म्यूजिक। हमारे पास अलग अलग जो है कोनोटेशंस रहेंगे, सो लेट्स गो अवेड विद द डिफरेंसिएशन फर्स्ट। ओके सो ऑल दो देर आर स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस, ओके द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्वर, राग एंड ताल आर द फाउंडेशन ऑफ बोथ कर्नाटिक एंड दी हिंदुस्तानी म्यूजिक। स्वर, राग और ताल, ये तीन चीजें हैं, ये तो हमारे पास कॉमन ही रहेगी। ठीक है, हमारे जो है हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक, चाहे नॉर्थ इंडिया का हो चाहे साउथ इंडिया का हो। ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड, वाइल द कर्नाटिक म्यूजिक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। ओके, दस बोथ हैव अ डीप एसोसिएशन विद रिलीजन। ओके गाइस, ओके गॉट इट? सर चैट बॉक्स क्या हुआ भाई? ओके सो मैम, थैंक यू सो मच अगेन। सो यू आर हियर एट द स्ट्रोक ऑफ 11:17, एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड आप ऐसा ना किया करें, मैं ना बहुत भावुक हो जाता हूँ इस वक्त आपके कमेंट्स देखकर। गाइज, दिस इज माई टीचर, जो हमारे पास यहाँ पर क्लास में बिना, यहाँ पर हमारे पास मैम है। सो शी इज माई टीचर, शी इज माई हिंदी इन्होंने पढ़ाया मुझे, संस्कृत इन्होंने पढ़ाया मुझे एज सब्जेक्ट, बट मोर ऑफ अ सब्जेक्ट इसके अलावा इन्होंने जो सिखाया, दैट इज द लाइफ। ओके सो मैम, आई एम ऑब्लाइज्ड ऑलवेज विथ रिगार्ड टू द टीचिंग्स दैट यू हैव गिवन टू मी, एंड फॉर दैट मैं दुनिया जहाँ की, अगर मैं जिसे बोलते हैं ना कि सारी खुशियाँ लपेट कर भी आपके पैरों में लाकर रख दूँ, तो शायद फिर भी उसका जो एहसान है, जो आपका जो कर्ज है मुझ पर, आपका, बूना मैम का, या हमारे जितने भी जो हैं हमारे, मेरी मदर्स रही हैं स्कूल में, मैं नाम लेना चाहूँगा सबका। अगर मैम आप मेरा मैसेज मेरे बाकी सभी मदर्स को दें, सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने। सो टू माई बूना मैम, जिन्होंने मुझे सोशल साइंस पढ़ाया, और बस सब्जेक्ट तो पढ़ाया ही पढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें पढ़ाई, उसका जो जो एक वैल्यू है, उसका जो एक जो बोलते हैं ना द वैल्यूएशन, आई डोंट थिंक सो कि उसे कोई भी पा सकेगा, उसे कोई भी जो है कवर अप कर सकेगा। तो प्लीज़ आप मेरे सभी मदर्स को, मेरी सभी टीचर्स को बोलना दैट आई एम जस्ट लाइक डाइंग टू सी ऑल ऑफ यू, एंड रियली थैंक यू सो मच। ओके सो जस्ट वन थिंग मैम, बस एक ही बात बोलूंगा, आप मेरी बात सुन रही हैं, आई एम 100% श्योर दैट जो भी आज मेरी सफलता जितनी भी है, जो भी है, और उससे अलग, ओके वॉट एवर आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, वॉट एवर राइट नाउ सो फार, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने दुनिया जीत ली है, लेकिन हाँ ये जो आप यहाँ पर हमारे ढोंडुओं को देख रहे हैं चैट बॉक्स में, ये मेरे असेट्स हैं, जो इनडायरेक्टली आपके असेट्स भी हैं। सो बस जो भी मेरी अभी तक की सफलता है, वो सफलता सफलता से अलग हटकर आपका, जो आपने डियर सन लिखा है, आपका बेटा होने में मेरी सार्थकता ज़्यादा है, और इसी एक जो एक प्योर पाक साफ ये जो रिश्ता है, फीलिंग है, इसी को आगे लेकर मैं बढ़ता रहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ
wonderful level of prestige to me, and I really oblige. Thank you so much. If you're here, so thank you, guys. Shukriya, sir. Chalo. ओके सो गाइस सॉरी मैं इस टाइम काफी चला जाता हूँ अपने नॉस्टैल्जिया में. ठीक है. ओके सो थैंक यू मैम. थैंक यू मेरे प्यारे भाइयों बहनों. ये आप ही लोगों की देन है, आप ही लोगों का प्यार मोहब्बत है जो मेरे टीचर को खींच कर रात के 11:30 उसे मेरी क्लास में लेकर आया. मैम प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड अब आप प्लीज़ सो जाइए. इट्स टू लेट. मुझे पता है आपको जल्दी सोने की आदत है. चलिए थैंक यू. ओके सो द सिमिलैरिटीज गाइस. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट द वैदिक पीरियड. ओके सो गाइस नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. मैम अभी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे आई एम सो श्योर. चलो सो हिंदुस्तानी म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड राइट अप एंड कर्नाटिक म्यूजिक ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट. गाइस प्लीज ध्यान से लिख लो इस बात को. ओके द हिंदुस्तानी म्यूजिक इट ओरिजिनेटेड वेयर इट ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड. ओके वाइल कर्नाटिक म्यूजिक इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दी भक्ति मूवमेंट. दोनों में फर्क रहेगा. ठीक है दोनों में जो है काफी फर्क रहेगा. ओके टेक अ ग्लास ऑफ वाटर. यस एक चलो. ओके आप इमोशनल हो गए. मैं क्या बताऊँ मैं क्या हो जाता हूँ इस वक्त. मेरा जो ये यहाँ पर ये जो ऑर्गन है ना जो धड़क रहा है ठीक है ये मतलब कहाँ से कैसे आता है मैं क्या बताऊँ. ठीक है चलो. ओके सो हिंदुस्तानी म्यूजिक भक्ति मूवमेंट सॉरी द वैदिक पीरियड एंड द कर्नाटिक म्यूजिक बोले तो भक्ति सूफी मूवमेंट दोनों का जो रिलेशन है डायरेक्टली रिलीजन से है. ओके सो कर्नाटिक अभी टॉक अबाउट द कर्नाटिक म्यूजिक इज वन ऑफ द टू मेन सब जेनरस ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट इवॉल्व फ्रॉम द एंशियंट हिंदू ट्रेडिशंस द अदर सब जेनरे बीइंग द हिंदुस्तानी म्यूजिक. ठीक है डिस्टिंक्शन की अगर आप बात करोगे तो आपको याद होगा विच एमर्ज हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है हमारा दैट एमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ड्यू टू दी पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस इन नॉर्थ इंडिया. तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया रहा है इसमें हमने देखा है बिकॉज ऑफ द दिल्ली सल्तनत द सूर एंड द मुगल्स ये जो हमारी डायनेसिटीज रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली सल्तनत दैट इज फ्रॉम द स्लेव डायनेसिटी. ओके आप स्लेव की बात करो तुगलक्स की बात करो खिलजीज की बात करो लोदीज की बात करो या वहां से फिर जब हम मुगल डायनेसिटी पर आए फिर सूर डायनेसिटी देख रहे हैं फिर हमने वापस से मुगल डायनेसिटी देखी. ओके तो यहां पर हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा नॉट ओनली जस्ट इन डांस इन म्यूजिक एज वेल बट ऑल्सो इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल. ओके इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द आर्ट एज वेल एज द आर्किटेक्चर वी हैव सीन दिस वी हैव सीन द पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस. ओके दैट इज द इस्लामिक एंड द पर्शियन इन्फ्लुएंस. ओके दैट हैज गिवन अ वेरी सेपरेट स्टाइल अ वेरी सेपरेट स्टाइल टू द इंडियन आर्ट एंड कल्चर दैट इज टू द होल ऑफ द ट्रेडिशन एंड द ट्रेंड्स. देन बोथ द म्यूजिक इवॉल्व विद द संस्कृत लैंग्वेज. गाइस प्लीज ध्यान से लिख लेना बोथ द म्यूजिक. ओके दे इवॉल्व विद द संस्कृत लैंग्वेज. ओके इन इटसेल्फ थ्रू द वैदिक ट्रेडिशंस. The central notion in both these systems are that of the melodic mode of राग okay, and ताल. राग और ताल यहां पर दोनों रहेगा. okay, all clear everyone? okay, कोई बताएगा ये क्लास डेली इस टाइम पे चलती है. लवजीत ब्रदर दिस क्लास हैज कमेंस्ड फ्रॉम यस्टरडे टुडे एंड टुमारो. ठीक है 3 दिन का हमारा मैराथन सेशन है इसमें हम पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर अप कर डालेंगे. okay? सो इट्स आज हो रही है और कल भी होगी उसके बाद रात में नहीं होगी. सो बस कल हुई थी दैट इज फ्राइडे आज हो रही है दैट इज सैटरडे और कल होगी दैट विल बी संडे. ओके वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट यू से एंड व्हाट यू फील. यप भाई हम आपके असेट्स तो हैं ही लेकिन आपके बहुत प्यार. बिल्कुल भाई ठीक है. गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग टीना क्लियर सुपर हियर सर. यस सर क्लियर. ओके फाइन गाइस चलिए कूल. यस सर क्लियर. टाइम सर प्लीज टाइम सर क्या टाइम यार टाइम इस वक्त हो रहा है 11:24. ठीक है गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग. यस सर क्लियर फैजान. ओके यस सर क्लियर. ओके F1 चलो क्लियर क्लियर भैया. ओके पूनम ठीक चलो फाइन. सो आगे बढ़ते हैं.
देखते हैं पूरी कहानी। तो ध्यान रखना है आपको जो लैंग्वेज रहेगी हमारे पास वो कौन सी रहेगी, संत पीरियड। द लेटर वन विल बी द कर्नाटिक, दैट इज विद द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। अगर आप बात करोगे, इट सिंथेसाइजेस विद वेदिक चैंट्स, इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड पर्शियन म्यूजिक ए असल। ओके, म्यूजिक ए असल। अब आप तक आपको ना आज तक पता होगा म्यूजिक इंग्लिश वर्ड है। ओके, म्यूजिक जो है एक इंग्लिश वर्ड है, आप तक अभी आपको ये पता होगा राइट लेकिन म्यूजिक हमारा एक पर्शियन लैंग्वेज भी, पर्शियन मतलब आप सीधे कह सकते हो उसको अरबी वर्ड भी है। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन देखोगे लिखा हुआ मुसीकू। ओके, तो मुसीकू ए असल। ओके, दैट इज द इस्लामिक और द पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक। गाइस प्लीज पेन डाउन, मुसीकू ए असल क्या है, द म्यूजिक। ओके, सो कर्नाटिक इज कंपैरेटिवली प्योर एंड वाज डेवलप्ड इन द टाइम पीरियड ऑफ द 15th एंड 16th सेंचुरी ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट एंड ऑल्सो गॉट अ बूस्ट इन द 19th एंड 20th सेंचुरी। गाइस प्योर का मतलब यहां पर क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्योर हियर। ओके, प्योर बोले तो इट इज नॉट मिक्सचर, जैसे कि हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो मिक्सचर है, इंडियन ट्रेडिशन, इस्लामिक ट्रेडिशन एज वेल एज द पर्शियन वन। ओके, वेयर एज द कर्नाटिक इज टोटली ऑन रिलीजन, भक्ति मूवमेंट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, बफरिंग तो नहीं होगा यार। ओके फाइन, आई वॉन्ट टू नो वेन दिस क्लास स्टार्टेड, यस 11 बजे। ओके, नो बफ, फाइन। सो द मेन एम्फेसिस इन कर्नाटिक म्यूजिक इज ऑन द वोकल म्यूजिक। ओके, अगर आप बात करोगे द मेन एम्फेसिस इन कर्नाटिक म्यूजिक इज ऑन द वोकल म्यूजिक एंड मोस्ट कॉम्पोजिशंस आर टू बी संग इन्वॉल्विंग द गायकी स्टाइल। तो अगर आप बात करोगे कर्नाटिक म्यूजिक की तो ये इनका जो फोकस है, कर्नाटिक म्यूजिक का हमारा जो फोकस है वो कहां पे है, गायकी पे ज्यादा है, बोले तो वर्ड्स पर ज्यादा है, वोकल। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे कम है, कम है, नहीं है ऐसा नहीं बोला गया है, कम है, ज्यादा कहां, हम अल्फाजों में जो है हम बयान कर रहे हैं यहां पर म्यूजिक को, रेदर देन जस्ट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो इन हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल सेंट्रिक ग्रुप इज रिक्वायर्ड, many instruments are designed to accompany the singer, whereas in the Carnatic music less of the musical instruments, more of the vocal cords, right? yani ki alfazon ki baat hogi, right? so the major vocal forms of Hindustani music, to aapne dekha hai dhrupad, khayal, tarana, thumri, dadra and ghazal, while Carnatic music embrace several varieties of improvisation, consist of alpana, nirval, kalpanaswaram, रागम थाना एंड पल्लवी। ओके, तो ये सारी चीजें किधर रहेंगी हमें, पल्लवी गाइस, इट्स द रागम थाना पल्लवी। ओके, दैट इज द रिदमिक कंपोजिशन। उसके अलावा अल्पना, दैट इज वंस अगेन द काइंड ऑफ राग, निर्वल वंस अगेन काइंड ऑफ रिदम, एंड कल्पना स्वरम एंड रागम वंस अगेन अ टाइप ऑफ दोस 7 मेलोडी। ओके, दोस नोट्स। ओके, लाइक बनारस घराना एटसेट्रा, यस करेक्ट। ओके, कूल। So the Carnatic music, just figuring about the Carnatic music. Okay, so Carnatic music owes its name to the Sanskrit term Karnataka Sangeetam. Okay, the Carnatic music owes its term to the Sanskrit term Karnataka Sangeetam, which denotes traditional or codified music. Carnatic music ka jo naam hai, kahan se aaya? Karnataka Sangeetam. Okay. कर्नाटका संगीतम, राइट भाई, ये दिल जीतने की कला हमें भी सिखा दो। ओके, ऐसा है, एक क्रैश कोर्स लॉन्च करता हूं मैं, है ना, दिल जीत कोर्स, ठीक है, एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं दिल जीत कोर्स के नाम से, और उसमें सीखिएगा आप लोग ये सब कायदे से, ठीक है, राइट, और कोर्स जो है मैं लॉन्च करता हूं बहुत जल्दी, ठीक, सो यस सर, ठीक है, बहुत बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ठीक है, लेकिन ऐसा देखना, याद रखना, वो दिलजीत कोर्स जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, बहुत हाई फीस होगा, ठीक है, वो जो दिलजीत कोर्स जो होगा ना, वेरी मच हाई इन फीस, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है, उसकी फीस पे करने के लिए तैयार रहना, कम से कम कुछ नहीं तो आप समझ लो 8-10 चिनूक हेलीकॉप्टर्स लगेंगे, वो US में जाओ उसको बोलो कि चिनूक वाला दो मेरे को लेकर आओ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर चिनूक अगर नहीं भी मिला तो कम से कम फ्रांस में जो रफेल 2.0 वर्जन बन रहा है कम से कम वही 15-20 ले आना, उसके बाद सिखा देंगे, ठीक है,
हमसे फील हो गया, अरे यार मतलब चैरिटी बिगिंस एट होम मैन, कम ऑन, है ना। आपके भाई बहन हैं फीस, अरे हमारे भाई बहन हमारे असेट्स हैं, प्रॉपर्टीज। हाँ भैया चलो ठीक है मत। ओके सो कर्नाटिक म्यूजिक ओज इट्स नेम टू दिस संस्कृत टर्म, बोले तो कर्नाटका संगीतम। ओके कंपोज ऑफ अ स्टाइल ऑफ राग एंड थलम, बोले तो ताल। ठीक ये दो चीजें रहेंगी। आइए आगे की बातें देखते हैं। सो कर्नाटिक संगीत डेवलप इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका। ठीक तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका द द्रविडियन कल्चर स्टेट्स। ओके तो आपको याद होगा द नगाड़ा एंड द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके और यहां पर भी वही है। ठीक द नगाड़ा और द्रविड़ा, नगाड़ा किधर था नॉर्थ, द्रविड़ा किधर था साउथ। ठीक है तो द्रविड़ियन कल्चर बोले तो द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका द वेरी रिच, वेरी वंडरफुल, वेरी ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ आवर नेशन, द बिलव्ड स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका, राइट। द्रविडियन कल्चर द कल्चर विच रिप्रेजेंट्स द होल ऑफ द रिचनेस, द पावर एंड रिचनेस ऑफ द नेशन, राइट। ओके सो दिस इज वेयर द स्टेट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड कर्नाटका। ठीक देन द रिनाइसेंस ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। ओके द रिनाइसेंस ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक, सो गाइज प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन म्यूजिक सॉ द इमर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट सब सिस्टम्स, हिंदुस्तान एंड कर्नाटिक, बोथ एमर्ज्ड इन द फर्स्ट टाइम इन हरिपलास संगीत सुधाकर। एक किताब लिखी गई है गाइज जहां पर हमें हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक में डिफरेंस बताया गया है। याद रखना जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि साहब की, उसमें सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक बताया गया, उसमें हिंदुस्तानी और कर्नाटिक ये सब नहीं बताया गया। ठीक हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक उसमें नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ बताया गया है हमारा म्यूजिक। ठीक लेकिन जो हमारा कर्नाटिक म्यूजिक है इसमें डिफ्रेंसिएशन जो हमें कब पता चला, 14th सेंचुरी टाइम पीरियड में एक किताब लिखी गई संगीत सुधाकर, हरिपला साहब करके हमारे एक जो है सेंट हुआ करते थे, उनकी किताब आई संगीत सुधाकर। ठीक तो उन्होंने किताब में द टर्म रिनाइसेंस बोले तो पुनर्जागरण, दैट इज रीबर्थ ऑफ समथिंग। ओके गाइस वी आर ऑनलाइन राइट, नहीं भूत भूत नहीं आया रे, वी आर ऑनलाइन, वी आर, हाँ यह मैं आपके सामने हूं जिंदा साबूत एकदम। ठीक है ओके सो ओके गाइस प्लीज रिमेंबर रिनाइसेंस मीनिंग, व्हाट इज, व्हाट यू मीन बाय द टर्म रिनाइसेंस। ओके सो द रिनाइसेंस बोले तो रीबर्थ, पुनर्जागरण किसी चीज का, रीबर्थ दैट इज पुनर्जागरण ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज रिनाइसेंस। ओके सो ओके यस सर, ओके पुनर्जागरण, यस एब्सोल्युटली। अब पुनर्जागरण का जो दास्तान है ना जरा उसको समझ लो, पुनर्जागरण की जो कहानी है जरा उसको समझ लेते हैं हम, कि जो कुछ था लेकिन अभी है नहीं उसको दोबारा रिवाइव किया जाता है जब, ठीक है जो कुछ था लेकिन अभी है नहीं और जब उसको रिवाइव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रिनाइसेंस, द रीबर्थ। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू प्रोवाइड यू इन द एग्जाम्पल ऑफ रिनाइसेंस, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम इन दिस वर्ल्ड, ओके यू वर डिमोरलाइज्ड, ओके या सॉरी यू वर मोटिवेटेड, then you got demotivated, then you saw some spark, and then once again the life begins, okay? आ रहा हूं मैं जिंदगी, आ रहा हूं मैं, सॉन्ग तो सुना रहेगा सबने, राइट? वही है रिनाइसेंस, ओके गाइस, ओके। I cleared विशरत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, but I got information about कर्नाटिक म्यूजिक इन दिस क्लास, ओके मिनेश म्यूजिक क्लासिक, थैंक्स अ लॉट। नाउ ओके हमसे बड़ा भूत कोई है क्या, बता रहा हूँ अभी सब बता रहा हूँ, तुम लोग से बड़ा भूत है, अभी मिलवा रहा हूँ मैं, अभी कुछ जाओ आने दो मुझे अपने फॉर्म में, थोड़ा सा एक बार मैं ना थोड़ा स्मार्ट बोर्ड वास्मोर्ड लगवा दूँ फिर बताता हूँ भूत कैसा दिखता है। ठीक है अभी ऐसा मैंने थोड़ा सा अंधेरा करना है ना यहाँ पर, लाइक अगर मैंने ऐसा अंधेरा मार दिया ठीक है तो मस्त भूत दिखेगा तुम लोगों को। ठीक है चलो ठीक, डिमोटिवेट क्या होता है दादा, ए फालतू सा शब्द है छोड़ो उसको जाने दो, डिलीट करो डिक्शनरी से, ठीक है फाइन। तो चलिए हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक केम इन टू वोग आफ्टर द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम्स, दैट इज द अरब वर्ल्ड। ओके गाइस ध्यान रखना, व्हेन द अरब वर्ल्ड, व्हेन द अरब पावर, जब हमें अरब वर्ल्ड इंडिया में देखने को मिलेगा तब हमें पता चलेगा म्यूजिक का डिफरेंसिएशन। गाइस ध्यान रखना
जो इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन हुआ, या जो इन्वेजन जो एक हम जिसे हम कहते हैं द अरब वर्ल्ड इन्वेजन, वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था, वो इंडिया के लिए एक वरदान था। ओके गाइस प्लीज रिमेम्बर, वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेजन नहीं था। इन्वेजन कभी हुआ होगा, ठीक है, पुराने जमानों में, लेकिन हम जब बात करते हैं, देखो यहां पर ना एडवेंट लिखा है, द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मुगल एम्परर्स। तो हिंदुस्तान की जो चमक धमक है ना, इस चमक धमक को और चांद सितारों से और चमका देने की कहानी जो है ना, वो चार चांद लगा देना, वो कब हुआ, वो हमें कब मिला? ओनली ड्यूरिंग द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम सल्तनत इन इंडिया। चाहे आप उसको खिलजी तुगलक लोधी डायनेस्टी बोल लो, आप उसको मुगल बोल लो, आप उसको सूर बोल लो, आज हमारे पास तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारा करेज है, हमारा प्राइड है, हमारा ईगो है, जो वैदिक टाइम पीरियड से चला आ रहा है, और उसके साथ ही साथ जो हमें अरब वर्ल्ड से मिला। ठीक, सो इट इज वहां पर इन्वेजन वर्ड जो है, जो एक गलत वर्ड हो जाएगा, एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, बट एक जो एफर्मेटिव और पॉजिटिव वर्ड होगा, दैट वुड बी दी एडवेंट। ओके, सो पुरंदर दस, ओके, पुरंदर दास, यहां पर देखो एक नाम है हमारे पास, पुरंदर दास। ओके, प्रोलिफिक पोएट कंपोजर एंड मिस्टिक ऑफ द विजयनगर इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। ओके सो गाइस प्लीज पेन डाउन, पुरंदर दास, ओके, साहब पुरंदर दास हमारे जो हैं, ही इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक। ओके, क्लियर अप एवरीवन? हाँ क्यों नहीं। अच्छा अशद खान, ठीक है बेटा, अच्छी बात बोली आपने। हाँ आई नो वी आर नॉट अफ्रेड। ओके चलिए, भूत से नहीं डरते, आतंकी से डरते हैं क्या? प्रिंस चार्मिंग का चाम से सब नीचा, गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात। हाँ नहीं, स्पार्क तो देखो हर जगह, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना, उसमें तो कोई जो है दूसरा सवाल जवाब ही नहीं है। ठीक, क्लियर रिपोर्ट सर, चलो ओके, एक रिपोर्ट है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरंदर दास साहब नाम याद रखिएगा, फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ओके, वेंकट मखी दूसरा नाम है हमारे पास, वेंकट मखी इज रिगार्डेड एज द ग्रैंड थ्योरिस्ट ऑफ कर्नाटक, मतलब ग्रैंड, देखो शुरुआत करी पुरंदर दास साहब ने, लेकिन इसको अपने जेनिथ पर ले जाने वाले जो साहब हैं वो कौन होंगे? वेंकट मखी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द मुगल पेंटिंग्स, इसकी शुरुआत किसने करी थी? क्या हुमायूं ने मुगल पेंटिंग्स की शुरुआत नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। क्या अकबर ने मुगल पेंटिंग्स का जो ट्रेंड है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया? इनफैक्ट 3D पेंटिंग्स वगैरह बनाया, राइट? लेकिन लेकिन सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो जेनिथ पर कब पहुंचा मुगल पेंटिंग्स, मुद्दा मुगल मिनिएचर अपने जेनिथ पर कब पहुंचता है? वो जहांगीर साहब के दौरान, ठीक है, हमारे जो जहांगीर साहब थे उन्होंने मुगल पेंटिंग्स को, मिनिएचर पेंटिंग्स को, मुगल घराने को जेनिथ पर पहुंचाया। ठीक, ओके, तो उसी तरीके से पुरंदर दास साहब इज नोन एज द फादर ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक, यस, लेकिन इसको अपने हाइट्स पर, अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले जो साहब थे वो थे वेंकट मखी साहब। ठीक है, सो इन 17th सेंचुरी AD डेवलप दी मेलाकर्ता द सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग साउथ इंडियन रागास एंड देयर आर 72 मेलाकर्तास एट प्रेजेंट। ओके, ऑल क्लियर एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। बताइए सर, अरे अशद खान साहब बहुत जल्दी ये काम भी करेंगे। और आप देखो, हम हमें हमारे प्यारे भाइयों बहनों की ना इच्छाएं ऐसे नहीं जाने देते हैं। ठीक है सर, एग्जैक्टली फ्रॉम विच प्लेस? दे आर नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड बट अज्यूम्ड टू बी स्टार्ट फ्रॉम कर्नाटका। ओके, नॉट स्पेसिफाइड, ओके, बट अज्यूम्ड, ओके, और विद द हेल्प ऑफ द थ्यूरीज, बिकॉज कर्नाटका संगीतम जो नाम है कर्नाटिक म्यूजिक का, जो ओरिजिन है, तो हम कहते हैं फ्रॉम दी माइसूरू रीजन समवेयर और दी कर्नाटक रीजन एज अ होल, हम कहते हैं इट स्टार्टेड, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन अ वेरी ऑनेस्ट नोट। ओके यस सर, ओके ओके, क्लियर दादा, क्लियर भैया, ओके। और हाँ अशद खान साहब, आपकी जो ख्वाहिश है इसे हम बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं, निश्चिंत रहें, ठीक है ना, बस कोई टेंशन नहीं है। गुड इवनिंग सर, मोटिवेशन साहब, वेरी गुड इवनिंग सर, आई वॉन्ट टू नो क्लासिकल म्यूजिक, म्यूजिक, मेरे प्यारे भाई या बहन आप जो भी हैं, ठीक है, बात ऐसी है
कि मैं क्लासिकल म्यूजिक तो नहीं गा सकता, हाँ लेकिन मेरे को एक जो है फ्रीलांसर म्यूजिक जरूर पता है, ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग पियानो और गिटार जरूर बजा सकता हूँ और सिखा भी सकता हूँ, ठीक है, तो अगर आप वो सीखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, बट क्लासिकल म्यूजिक ना ग्रेट इंसान ग्रेट ह्यूमंस है ना वो वही कर सकते हैं, वो हमारे लिए नहीं बना है, तो क्लासिकल म्यूजिक के लिए ना चाहिए बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही अटर लेवल ऑफ पंक्चुअलिटी, और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह पाक ने हमें उस एक टैलेंट से जो है नहीं नवाजा है, ठीक है, बट कोई नहीं, लेकिन हाँ सिंपली अगर हम बोलें तो जो फ्रीलांस म्यूजिक है वो कर सकते हैं हम, ठीक है, फाइन, सॉरी सर, नो वरीज डियर, लेकिन हाँ ओके चलो ठीक, ड्यू टू सम ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, अब तो हमने सुना नहीं और हाँ ठीक है चलो ओके सो वेंकट मजी साहब रिगार्डेड एज द ग्रैंड थ्योरिस्ट ऑफ द कर्नाटिक म्यूजिक फर्स्ट थिंग एंड इन 17th सेंचुरी एडी ही डेवलप्ड मेलकर्ता, ओके द सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग साउथ इंडियन राग, और कितने राग हैं, 72, ठीक है ओके गाइस ध्यान रखना, देयर आर 72 मेलकर्ता एट प्रेजेंट, अगर आप इसको रिलेट करना चाहोगे तो इसको हम रिलेट करते हैं विथ द इस्लामिक टीचिंग्स व्हाट वी हैव गॉट, ओके दैट इज बताते हैं कि जब दुनिया अपने जब फाइनल स्टेजेस पर होगी तो जो फिरके होंगे लगभग 72 फिरके हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, इन द रिलीजियस सेगमेंट्स इट इज टॉट, ओके दैट इज 72 फिरके होंगे हमारे पास लगभग जब दुनिया अपने फाइनल स्टेजेस पर होगी, तो वहां पर भी 72 का एक कॉन्सेप्ट है, द वर्ड 72 इज वेरी मच सिमिलर इन द रिलीजन, इस्लाम में भी बताया गया है 72 फिरकों के बारे में, यहां पर हम देख पा रहे हैं मेलकर्ता जिनका डायरेक्ट कोनोटेशन है रिलेशन है रिलीजन से, ये भी कितने हैं 72, ओके सो 72 मेलकर्ताज आर आउट देयर एट प्रेजेंट, ठीक है ओके सो आगे बढ़ते हैं, दूसरे हिसाब है हमारे पास त्यागराज, ओके कंटेम्प्रेरी श्याम शास्त्री एंड मुत्तुस्वामी दीक्षितर आर टुगेदर नोन एज दी ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, सो गाइस ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ट्रिनिटी बोले तो त्रिदेव, ठीक है तो त्रिदेव में हमारे पास कौन कौन है कर्नाटिक म्यूजिक के, त्यागराज साहब देखो नाम ही त्यागराज है, त्याग का राजा, ओके श्याम शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षितर ये तीन नाम है, दोज आर कंसिडर्ड एज दी ट्रिनिटी बोले तो त्रिदेव त्रिमूर्ति जिसे बोलते हैं ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, इज दैट क्लियर गाइस एवरीवन नोटेड, फाइन चलिए तो आगे बढ़ते हैं, द म्यूजिकल फॉर्म्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, ओके द म्यूजिकल फॉर्म्स व्हाट वी हैव गॉट, सो गीतम द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंपोजिशन विथ एन इजी एंड मेलोडियस फ्लो ऑफ राग, ओके गीतम क्या रहेगा, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंपोजिशन विथ एन इजी फ्लो ऑफ मेलोडियस फ्लो ऑफ राग, बोले तो जो शुरुआत होगी गीत से बोले तो म्यूजिक से, देन सुलदी, सुलदी बोले तो तल मलिका द सेक्शंस बीइंग इन डिफरेंट ताला, तो जो ताल है ओके उसको जब हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं सुलदी, ओके देन स्वराजति इट कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस कॉल्ड पल्लवी अनुपल्लवी एंड चरणम एंड द थीम इधर इज डिवोशनल हीरोइक और एमरस, तो अभी दोनों में तीनों में फर्क समझ लेते हैं जरा, ओके गीतम है हमारे पास, ओके सर प्रणाम प्रणाम सर खुश रहो क्लियर भाई ओके हाँ हम तो जनवरी से दिसंबर तक वेट करते रह गए हैं, या अल्लाह तौबा इतना वेट कौन कर रहा है, किस बात का वेट हो रहा है, इतने में तो न जाने कितनी वेटिंग क्लियर हो जाती है, कहाँ किस बात का वेट हो रहा है, गीतम सुलदी स्वरजति जतिस्वरम वर्णम कीर्तनम कीर्ति पल्लवी, क्या बात है रिया फैंटास्टिक, ओके सो गीतम क्या रहेगा, द गीत सिंपल फ्लो ऑफ राग, इस राग को जब अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है जिसे हम कहते हैं ताल मलिका तो उसको हम क्या बोल देते हैं सुलदी, फिर उसके बाद से स्वरजति, स्वरजति जो है इसके अलग अलग तीन कॉम्पोनेंट्स हैं, यानी कि ये थीम है स्वरजति बोले तो थीम, ठीक है और कितने थीम्स है हमारे पास, तीन थीम है, ठीक है पल्लवी अनुपल्लवी और चरणम, ठीक है ये जो सेक्शंस हैं इनको तीन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, पल्लवी अनुपल्लवी और चरणम, और ये जो थीम है इसका जो बेसिक क्या रहता है, ये थीम या तो डिवोशनल थीम्स होंगे हीरोइक होंगे या तो एमरस होंगे, ठीक है ओके सुलदी डियर सुलदी इज नथिंग गीत यानी कि राग है ना,
राग को जब अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया जा रहा है तो उसको कह रहे हैं सुलदी। ओके, सुलदी दैट इज ताल मलिका। सुलदी को आप ताल मलिका भी कह सकते हैं। द सेक्शन ऑफ डिफरेंट ताल, अलग अलग ताल को सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे? सुलदी। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट, जति स्वरम। ओके, अगला वाला रहेगा हमारा जति स्वरम। इट इज नोटेड फॉर द यूज ऑफ रिदमिक एक्सेलेंस एंड दी जाति पैटर्न। जाति मतलब कास्ट नहीं, जाति इधर कास्ट में मत चले जाना, कम्युनिटी या सेक्शन सेगमेंट में मत चले जाना। जति या जति स्वरम, यूज ऑफ द रिदमिकल एक्सेलेंस। बोले तो जैसे कि हम राइम बोलते हैं, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना राइमिंग वर्ड्स हम लगाते हैं ना, जैसे कि अगर हम पोयम बनाएं, ठीक है, कि कहीं आग है तो कहीं विश्वास है, कहीं ठहरा हुआ समंदर है तो कहीं बहता हुआ दरिया है, उसी दरिये में देखता कहीं जीने का जरिया है ना, ये क्या है? एक्सेलेंस इन राइम। ओके, तो जो हम पोयम बनाते हैं, जो एक बढ़िया बेहतरीन सी पोयम हमें लगती है, तो वो कौन सी पोयम? जो रिदम जिसमें होता है, द राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनमें, है ना, ऐसा कि चलिए शेर नजर करते हैं, क्या कहीं आग है तो कहीं विश्वास है, कहीं ठहरा हुआ समंदर तो कहीं बहता हुआ दरिया है, उसी ठहरे हुए उसी बहते हुए दरिया में दिखता कहीं जीने का जरिया है। कहने का मतलब यह है, दरिया बह रहा है, जीने का जरिया दिख रहा है, लेकिन वो बह रहा है, ठहरे हुए समुंदर में कहीं कुछ नहीं मिलता, समुंदर भले ही कितना विकराल क्यों ना हो, विशाल क्यों ना हो, ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों से महान कवि प्रवीण बाबा ऐसा कहना चाहते हैं, ठीक है, राइट, कि समुंदर जो है ना, वो भले ही कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना विकराल क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन वो कभी भी जिंदगी नहीं दे सकता, ठीक है, जिंदगी ना दरिया देता है, वो दरिया जो बहता रहता है, और उसी दरिए में ना जरिया होता है, लेकिन पॉइंट इज, बट द पॉइंट इज यू हैव टू बी वेरी एक्टिव टू कोप अप दैट जरिया। तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, तो याद रखना उस जरिए को पाने के लिए दरिए में बहना पड़ेगा, ठीक है, और दरिया बहता है, ध्यान रखना, समंदर नहीं बहता है, दरिया बहता है, द रिवर्स, फाइन। हाँ बाबा जी प्रणाम। ओके, सो जाओ सर, रात्रि में ज्ञान। अच्छा कृष्णा मेरे भाई, बात ऐसी है ना, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अम्मी जान की दी हुई तालीम और तामील नहीं होती ना, तो मैं आपको बताता, ठीक है ना, अगर अम्मी जान की, हमारी अम्मी, हमारी प्यारी अम्मी जान की दी हुई तामील और तालीम नहीं होती, ये दो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होती, तो मैं आपका इसका जवाब ज़रूर देते, ठीक है, बट पॉइंट इज हमें तालीम भी दी गई और हमें अम्मी जान की तामील भी है, कि बहस नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी, ठीक है, नहीं तो फिर आपको हम जवाब जरूर देते, ठीक है, ओके, बाकी आपको नींद आ रही है, आप सो जाएं, ठीक है, फाइन। नहीं, ओके, सो वर्णम। इट इज द ओनली फॉर्म विच डज नॉट फाइंड अ काउंटर पार्ट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। गाइस ध्यान रखना, वर्णम जो है, इट इज द थिंग विच इज नॉट प्रेजेंट इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, फाइन गाइस, जिसको भी, ओके, चलो, स्पार्क जरूरी है, बिल्कुल, स्पार्क के बिना कहाँ कुछ है, राइट, सो द लाइफ शुड बी फिल्ड विद दैट पावर ऑफ स्पार्क एंड द स्पार्क दैट इग्नाइट्स यू। चलो, सो द वर्णम गाइस, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट इज द ओनली फॉर्म विच डज नॉट फाइंड अ काउंटर पार्ट इन द हिंदुस्तानी म्यूजिक। जतीश्वरम मिलेगा, रिदम आपको याद है वहां पर मिल रहा था, ठीक है, ताल भी मिल रहा था, राग भी मिल रहा था, लेकिन वर्णम नहीं मिलेगा। सो वर्णम, ओके, दिस फॉर्म इज कॉल्ड अ वर्णम बिकॉज मेनी ऑफ द स्वर ग्रुप कॉल द वर्णास इज एंशियंट इन एंशियंट म्यूजिक आर इंटरवोमेन इन द टेक्सचर। ओके, तो अगर आप बात करोगे वर्णम की, दैट इज द वर्णास की, तो ये एंशियंट फॉर्म में टेक्सचर के फॉर्म में रखे गए थे, ठीक है, इन द वेदिक पीरियड एंड ऑल, बट यहां पर इसको जो है टेक्स्ट के तौर पर नहीं, म्यूजिक के तौर पर या एक मेलेडी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, फाइन, चलिए नेक्स्ट, कीर्तनम।
कीर्तनम जो है क्या रहेगा, इट इज वैल्यूड फॉर द डिवोशनल कंटेंट और भक्ति भाव ऑफ द साहित्य। आपको पता है ना कीर्तन कहाँ किया जाता है? आपने वर्ड कीर्तन जरूर सुना रहेगा फॉर श्योर, ठीक है। और ये जो कीर्तन वर्ड है, कीर्तन हम कहाँ देखते हैं? मंदिरों में, है ना। मंदिर या गुरुद्वारा जो है वहां पर आपने ये कॉमन वर्ड देखा होगा कीर्तन, ठीक है। कीर्तन क्या है? अ म्यूजिकल असेंबली, ओके, अ म्यूजिकल असेंबली। लेकिन जहां पर डिवोशनल सॉन्ग्स, ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग्स गाए जा रहे, ठीक। देन कृति, इट इज ओके, इट डेवलप्ड फ्रॉम द कीर्तनम, इट इज हाईली इवॉल्व फ्रॉम द म्यूजिकल फॉर्म। तो ओके, कीर्तन में क्या है, हम देख रहे हैं सॉन्ग भी है, लेकिन कृति में क्या है, म्यूजिक है। ओके, कीर्तनम सॉन्ग, की कृति म्यूजिक, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, पल्लवी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिएटिव म्यूजिक एंड इट अलाउज इम्प्रोवाइजेशन। तो आपको याद होगा जो हमारा नॉर्थ इंडिया म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, हमने उसमें क्या देखा था, इम्प्रोवाइजेशन। ओके, हमने क्या देखा था वहां पे, इम्प्रोवाइजेशन। और यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं, कर्नाटिक म्यूजिक में इम्प्रोवाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, पल्लवी, ठीक है। क्या नाम दिया है, पल्लवी, बोले तो इम्प्रोवाइजेशन, ठीक। सो कीर्तनम, कृति एंड पल्लवी, ओके। सो कर्नाटिक म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया, वेर एज हिंदुस्तानी ओरिजिनेटेड इन दी नॉर्थ इंडिया। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट है ये तो आप भूलोगे नहीं फॉर श्योर, ओके, ये तो हमेशा से याद रखना है। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है, इट इज द मिक्सचर ऑफ द इंडियन, पर्शियन एज वेल एज इस्लामिक स्टाइल, वेर एज द कर्नाटिक म्यूजिक इट्स टोटली प्योर, नो मिक्सचर, ओके। तो कर्नाटका संगीतनम, ये जो है एक नाम है हरिपला साहब का दिया हुआ, ठीक है, याद रखना है आपको इस बात को। और उसके अलावा, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज द नेम, त्यागराज एक नाम रहेगा, ठीक है, हमारे माखी साहब दूसरे नाम रहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा द ट्रिनिटी एज वेल एज द ग्रेटेस्ट हाइट जेनिथ पर ले जाने वाले और उसको शुरुआत करने वाले पुरंदर दास साहब, ठीक है। ओके गाइस, फाइन, एनी क्वेश्चंस यहां तक, सब क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? दूसरे सेगमेंट की तरफ, दैट इज द लैंग्वेजेस इन इंडिया। ओके, सो गाइस, म्यूजिक का जो दामन है, हम लोग जो है अभी म्यूजिक के बारे में फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट वेरी वंडरफुल चैप्टर, दैट इज द लैंग्वेजेस इन इंडिया। ओके, सो लैंग्वेजेस की कहानी, और मैं अब यहां पर ना कुछ रिलेट करना चाहूंगा, ठीक है। ओके, तमीज से बोलो वरना ना। अच्छा, हाय हाय अनिकेत साहब, ये जो आपने कमेंट किया है, मैं कुछ कहना चाहूँगा, एक छोटी सी बात बोला ना, ठीक है। सर मैं आ गया हूँ, चलिए बताइए, है ना, गुलाब, ख्वाब, थाना, कागजी, इल्तजा, क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बताओ, इंतज़ाम क्या क्या है। आपने तो कुछ ऐसा ही राहत इंदौरी साहब की जो है एक पोयम याद दिला दी, है ना, काफी कुछ था, बताओ मैं आ गया हूँ, इंतजाम क्या क्या है, इंतजाम छोड़ो रे, मेरी बात सुनो। यहाँ पे मैं जो है, देखिए अनिकेत साहब, आपने जो है जो कमेंट किया है, और मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी बोला जैसे कि एक बात, कि अल्लाह पाक की कसम, अगर अम्मी जान की दी हुई तामील नहीं होती, उनकी दी हुई तालीम नहीं होती, ठीक है, तो आपसे हम जो है गुफ्तगू जरूर करते, लेकिन अभी हम आपको इतना बोलना चाहेंगे, जो चीर देंगे आपने जो लिखा है, ठीक है, आप चीर के दिखाइए कसम से, है ना, जो आपने लिखा है चीर देंगे, ठीक है, ये आप चीर के दिखाइए, हम सामने खड़े हमारे प्यारे भाइयों बहनों के साथ, ठीक है, आप उसके बाद फिर करेंगे। अरे सर कहाँ, कौन गाली गलौज कर रहा है, कुछ भी मतलब, हाँ कुछ भी के नाम पे, कुछ भी मतलब कुछ भी है, आप हमसे वार्तालाप करो यार, ठीक है, हमारा देखो कल तुम लोग, मैंने देखा कमेंट बॉक्स में नंबर वंबर काफी एक्सचेंज वेक्सचेंज कर रहे थे, हमारा नंबर लो, आओ हमसे बातचीत करो, तुम कहाँ जो है दुनिया भर में आतंक मचाए फिर रहे हो, हाँ राइट, गॉट इट, हाँ राइट, है ना। तो ऐसा क्या, तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो, देखो ये जो है ना, जहां जिस तुम प्लेटफॉर्म पे हो, ये एक एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, और मेरे को पता है, भली भांति पता है तुमको कहाँ किसने भेजा है, ठीक है, ये जो आप क्लास में जो कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, बोली है हाँ आहुति दे देंगे, चलिए अच्छा ठीक है, अगर ये बोला गया तो वो भी गलत बोला, चलो वी कंडेम दैट एज वेल,
ऐसा ना बोला जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप किसी को भी कुछ भी ना बोले, अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप उसकी जानकारी मुझे दें, आई विल डील विद देम, आप ना कमेंट करें कुछ भी, ठीक है। सो अभी मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप लोग ये जो कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी का तो हुक्म बजा रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि इतना ज्ञान आप लोगों को तो है नहीं, है ना, ये जो फालतू के कमेंट्स। तो अगर जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम जो हो और वही हो, ठीक है, तो गाइस इट वुड बी नॉट सो गुड, है ना। आपको जो है क्लास डिस्टर्ब करनी है, क्यों डिस्टर्ब करनी है पहले ये बताइए, ठीक है। आपका क्या उसमें, क्या कौन सा जो है आपको कुबेर का खजाना मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप कंपटीशन करिए, अच्छे से कंपटीशन करिए, हेल्दी कंपटीशन करिए, ये सब ना करें, ठीक है। टू माय डियर कॉम्पिटिटर्स, ओके, आप सब लोगों को है, ठीक है। हाँ सर, संघर्ष की जो चलता नहीं संसार को बदलता है, जिसने जीती जंग रातों की वही इतिहास को बदलता है। अच्छा कृष्णा चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो देखिए, टू माय डियर कॉम्पिटिटर्स, मैं आप सब लोग कहना चाहूँगा, है ना, ये जो तरीका आपने अपनाया है ना, बहुत बकवास तरीका है, बहुत बेकार तरीका है, ठीक है। इससे कुछ ना बदल रहा, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी कोई कह रहा था ना रात को, क्या है ना, ज्ञान व्यान की बातें कर रहे हैं हम लोग 12 बजे, अरे सो रहे घर बार में, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम यहाँ जो है कमेंट करने लोगों, वहां कोई लूट वूट के चला गया तो है, घर संभालो बाबू, ठीक है, टेंशन वेंशन ना लो, ठीक है, ओके। और ऐसा कमेंट करके अगर तुमको लगता है कि तुमने जंग जीत ली, ऐसा जो है तुम लोगों को, मेरे साथियों, ठीक है, तुमको ऐसा लगता है कि तुमने जो है ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करके फालतू की कमेंट्स करके चार गालियां लिख के, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जंग जीत ली, तो तुम्हारी मासूमियत पे ना कसम से बड़ी दया आती है ना। ऐसी अगर बात है, ठीक है, कि ऐसे फालतू के कमेंट्स करके तुमने जंग जीत ली है, तो तुम्हारी मासूमियत, आई पिटी रियली ऑन योर इनोसेंस, लिटरल सेंस में, ओके, दिस इज रियली पिटी ऑन योर इनोसेंस। तुम्हारी इतनी, इतने मासूम हो गए तुम लोग, मेरे को अंदाजा नहीं था, ठीक है, कि कुछ कमेंट करके तुम्हें लग रहा है जंग जीत ली, गुड फैंटेस्टिक, ओके, इना चोलवे, राइट। तो तुम भ्रम में जी रहे, बिल्कुल, जो बराबरी नहीं कर सकते हैं वो यही करते हैं, है ना, लाइक जख्म पर बैठी मक्की, ओके, हाँ बिल्कुल, ठीक है, दे आर डूइंग सच, यस कंटिन्यूइंग डियर, ओके, टाइम केयर सर, डोंट वरी शिवांगी, टाइम इज ऑलवेज टेकन केयर अबाउट, ओके सर, हमें यूपीएससी क्लियर करना है, बिल्कुल करेंगे सर, सॉरी आई डेंट मीन दैट, नहीं, नो वरीज, अगर देखो कोई कुछ गलत कह रहा है डियर, नो वरीज, ठीक है, अगर किसी ने कुछ गलत बोला, आप उसकी जानकारी मुझे दें, आई विल डील विद दैट पर्सन, ओके, किसी ने क्या गलत और सही बोला, ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आगे की दास्तान, दैट इज द लैंग्वेजेस इन इंडिया, ओके। सो गाइज प्लीज ध्यान रखिएगा, बस एक मिनट लूंगा वापस से, अगर कोई फालतू की बात आपको कमेंट बॉक्स में कर रहा है, सो प्लीज इग्नोर, किसी के कमेंट कर देने से कुछ बदल जाता तो अब तक हमने न जाने कितनी सरकारें बदल दी होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, अगर कमेंट कर देने से कुछ बदल जाता तो अब तक हमने न जाने कितनी सरकारें बदल दी होती, ठीक है ना, तो इग्नोर, साफ शब्दों में इग्नोर, ठीक है। कमेंट बॉक्स तभी एक्टिव रखें जब आप कोई डाउट क्लियर करना चाहें, या जब मैं आपसे क्लियरली पूछूं कि समझ में आया या नहीं, ओके फाइन, यप चलो, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर गाइस, दैट इज द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, व्हाट आर द क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, उस पर बातचीत करते हैं हम लोग। सो करेंटली द सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस, सो द सिक्स लैंग्वेजेस दे एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस, सो दे आर तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, ओके, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, दीज आर दी व्हाट, दीज आर व्हाट वी कॉल द क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ओके राइट, ओके एवरीवन, सो प्लीज रिमेंबर द क्लासिकल लैंग्वेजेस, हाउ मेनी ऑफ देम आर देयर, सिक्स, ओके, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया, दीज आर द सिक्स क्लासिकल लैंग्वेज व्हाट वी हैव गॉट, सो हाउ दे आर क्लासिफाइड, ओके, हाउ दे आर क्लासिफाइड, द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, हाउ दे आर डन, सो हाई एंटीक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर्स, हाई एंटीक्विटी बोले तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा जो है इसकी जो है एक वैल्यू, हाई वैल्यू, ठीक है,
और उसके साथ ही साथ 1500 से 2000 साल का इतिहास होना चाहिए, एंशंट लिटरेचर या टेक्स्ट इसका अवेलेबल होना चाहिए, ओके, विच इज कंसीडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। तो रिटन इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए, एक सिंपल यहां पे जो दो लाइनें लिखी हैं आप इसको लिख सकते हो, रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ नियर अबाउट मिनिमम 1500 to 2000 ईयर्स, ओके, ऑफ मिनिमम 1500 to 2000 ईयर्स, ओके। Proud of being an Odia guy, yes, Doctor Strange. It's like what we call a culture, like for the Odia culture. In fact, I believe to the whole Northeast culture, okay, not just the Odia, but to the whole of the East and Northeast culture. जैसे बोलते हैं ना, the culture of hills, the culture of greenery, and the culture of purity. What I have learned from the होल द ग्रेटर टेरिटरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओके, द ओडिया, द ओडिशा, असम, ओके, और द ऑल ऑफ द सेवन सिस्टर्स, द ब्यूटी, ओके, ग्रीनरी है हमारे पास, हिल्स है हमारे पास, यस, फैंटास्टिक, दे आर, तो ज्योग्राफी में तो एक है, बट द कल्चर ऑफ प्योरिटी, दे डू रिजेंबल द कल्चर ऑफ प्योरिटी, एंड यस, दैट्स वॉट द ईगो स्टैंड, द प्राइड स्टैंड, ओके, फाइन। सो गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग अ लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज, ओके, तो गाइस ध्यान रखना, 1500 से 2000 साल का रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ओके, रिटन रिकॉर्डेड हिस्ट्री, देन द लिटरेरी ट्रेडिशनल, द ट्रेडिशन, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी, बोले तो प्योर होना चाहिए, नॉट द मिक्सचर, ओके, जो भी रिटन मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, प्योर, नॉट द मिक्सचर, ओके। द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बींग टू डिस्टिंक्ट, बींग द डिस्टिंक्ट फॉर्म फ्रॉम मॉडर्न, दे मे ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स ऑफ इट्स ऑफ शूट्स। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर भी डिफरेंसेस होंगे, जैसे कि घराने देखे हैं हमने, ओके, अलग अलग घराने होते हैं, ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर लैंग्वेजेस के अंदर भी अलग अलग ऑफ शूट्स, बोले तो घराने यानी कि डिफरेंट लोकेशंस होंगे, जो पार्ट क्लासिकल लैंग्वेज के ही हैं लेकिन उसका अलग अलग सेक्शन है, ओके। सो गाइस अब ध्यान रखना, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल यानी कि नो मिक्सचर, ओके, क्या लिखा है, नो मिक्सचर, ठीक, नो मिक्सचर, इट शुड बी सिंपल, व्हाट वी कॉल इट, प्योर, ओके, गॉट इट एवरीवन। हेडफोन हाई करके भी सुनाई नहीं दे रहा, उसने बताया मेरे को इससे ज्यादा साउंड नहीं होगा। सर डेटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं अनुज, बाद में कर लेना क्लास, फाइन एवरीवन। हेडफोन, चलो कोई नहीं बेटा, हो जाएगा, आराम से, टेंशन नहीं लो, ठीक है, ओके, यस सर, ओके, कूल। सो हाउ आर क्लासिकल लैंग्वेजेस प्रोमोटेड, द वेरियस बेनिफिट्स, सो द टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स फॉर स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस, ये दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेजेस इज ऑल्सो सेटअप, ठीक है। सो गाइस ध्यान रखना, इसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन भी है हमारा, ठीक है, दैट इज यू नो आर्टिकल 343, ओके, टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेजेस इन इंडिया, राइट। सो ध्यान रखना, द लैंग्वेजेस दैट इज द पार्ट ऑफ नॉट जस्ट योर आर्ट एंड कल्चर, बट इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर पॉलिटी, ओके। सो द यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट, टू स्टार्ट विद एट लीस्ट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस, सो डिक्लेयर्ड, ओके। सो द यूजीसी इज नाउ प्लानिंग टू क्रिएट अप अ सेपरेट कोर्स फॉर द क्लासिकल लैंग्वेज, ओके, सीएल बोले तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए एक अलग कोर्स तैयार करने की बात करी जा रही है, कहां पर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, गाइस ध्यान रखना, नॉट इन द स्टेट यूनिवर्सिटीज एज ऑफ नाउ, बट इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ओके। शेड्यूल 8, वेरी गुड, फैंटेस्टिक, क्या बात है, पॉलिटी वॉलिटी सब पढ़ रहे हैं तुम लोग, मतलब गर्दा मचा रखे हो भाई, क्या बात है, कूल। 343 एंड 394A, रिया बेटा, 394 कैपिटल ए जो है ना, दैट इज विथ रिगार्ड टू द प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ओके, द टेक्स्ट टू बी रिटन इन हिंदी इन इंग्लिश, ओके।
अच्छा शेड्यूल 8, फाइन, ओके ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, सम्मेलन। ओके गाइस अभी ध्यान देना, अगला पॉइंट जो हमारे पास है, द सम्मेलन, एन एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मराठी राइटर्स स्टार्टेड इन 1878। गाइस प्लीज पेन डाउन, आपका हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी टच कर रहा है ये पॉइंट। ओके द सम्मेलन, ओके नाम क्या है, द सम्मेलन या बस सम्मेलन। ओके सम्मेलन क्या है, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मराठी राइटर्स स्टार्टेड इन 1878 एंड ओवर द ईयर्स हैज बीन हेडेड बाय लीडिंग मराठी इंटेलेक्ट्स इंक्लूडिंग जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ III ऑफ बड़ौदा, प्रहलाद केशव एंड दी आचार्य अत्रे। ओके सो 1878 में शुरू किया गया मराठी राइटर्स का सम्मेलन। ओके यानी कि नाम क्या रखा है इसका, सम्मेलन। ओके 1878, और इसके जो चैंपियंस रहे हैं इस सम्मेलन के वो कौन कौन लोग रहे हैं, ये रहे हैं हमारे जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे, ओके महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ III ऑफ बड़ौदा, देन अपार्ट फ्रॉम दैट प्रहलाद केशव दैट इज आचार्य अत्रे। ओके ये लोग जो रहे हैं इसके चैंपियंस रहे हैं। ओके और साथ ही साथ इन लोगों ने जो है मराठी लिटरेचर को, जो आज हमारा एक बहुत ही जो है वन ऑफ द अनदर प्रेस्टीज ऑफ द नेशन, इसको भी इन्होंने जो अपने जेनिथ तक पहुंचाया। ओके सो गाइस ध्यान रखना, सम्मेलन कभी शुरू हुआ, 1878, फॉर विच लैंग्वेज, मराठी। ओके देन करेंटली 6 languages, ओके वी आर डन विद दैट। सो अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द राज्यसभा इन February 2014, द गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग एनी लैंग्वेज एज क्लासिकल लैंग्वेज, तो ये हम लोग अभी देख चुके हैं। तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये किसने प्रोवाइड कराई हैं, सो द गाइडलाइंस आर प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके सो राज्यसभा में एक क्वेश्चन हुआ, ओके कि भाई क्या होने चाहिए गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस में बता दिया गया दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज आंसर्ड इट। ओके सो गाइस प्लीज पेन डाउन, हु हैज गिवन द गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर व्हेन इन 2014। ओके सो द लिटरेरी ट्रेडिशनल, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल नॉट बोरोड, ये भी एक बात ध्यान रखनी है आपको, दो पूरी की पूरी ओरिजिनल होना चाहिए नॉट बोरोड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दैट इज द HRD मिनिस्ट्री इन इट्स रिप्लाई टू अ स्टार्ट क्वेश्चन इन लोकसभा इन 2014 नोटेड द बेनिफिट्स ऑफ इट्स प्रोवाइडेड वंस अ लैंग्वेज इज नोटिफाइड एज द क्लासिकल लैंग्वेज। ओके सो HRD मिनिस्ट्री ने बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर किसी एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है तो। ओके कभी बताया था क्वेश्चन आवर में, गाइस प्लीज डू लेट मी नो व्हाट डू यू मीन बाय द क्वेश्चन आवर, फटाक से बताइए व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्वेश्चन आवर, कम ऑन, क्या व्हेन विल बी स्टार्टेड सर, आई विल अप्लाई फॉर दिस लेक्चर, विच लेक्चर डियर, कम ऑन, कन्नड़ साहित्य सम्मेलन सर फॉर प्रमोटिंग प्रोटिंग विद द कन्नड़ लैंग्वेज, यस फिरदौस साहब वो भी होता है। ओके सर क्या वेस्ट बंगाल PCS में अदर स्टेट देयर, किसी भी स्टेट में आप जा सके अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, दिस इज इंडिया एज अ फ्रेटर्निटी, वी आर द यूनिट्स ऑफ द स्टेट्स क्रिएटिंग अप द नेशन द स्टेट। ओके ओके गाइस कम ऑन टेल मी व्हाट डू मीन बाय द टर्म क्वेश्चन आवर, हाउ डू आई डिफाइन द टर्म क्वेश्चन आवर, कब होता है ये, व्हेन इट इज क्वेश्चन आवर, कब होता है क्वेश्चन पूछने का, अरे वाह ओके कूल, क्वेश्चन पूछने का टाइम कब होता है, पार्लियामेंट की जो सेशन है ओके जब ये शुरू हो रहा है तो कब, जहां क्वेश्चन और बाकी मेंबर्स लोकसभा में प्रथम, यस द फर्स्ट आवर, ओके क्वेश्चन आवर, ओके द फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिटिंग दैट इज द क्वेश्चन आवर, कूल गुड। सो ओके तो गाइस ध्यान रखना है ये सारी चीजें, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ओके नाउ सो बेनिफिट्स पर अगर हम चलें, ठीक सो इन 2019 द लोकसभा द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिस्टेड द इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड टू क्लासिकल लैंग्वेज। ओके तो यहां पर देखो क्या क्या मिल जाएगा, संस्कृत, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, ओके
महर्षि सदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली। तो लबासना के नाम पर हमारे पास एक और है, LBS के नाम पे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली। ओके, ये सब किसके लिए बनाए गए हैं? संस्कृत के लिए। उसके अलावा महर्षि सदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ऑल ऑफ दीज आर देयर। ओके, विद रिगार्ड टू दी संस्कृत लैंग्वेज। ओके, एंड तेलुगु एंड कन्नड़ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्टडीज इन द रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस CIL, एस्टेब्लिश बाय द HRD इटसेल्फ इन 2011, एंड तमिल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल वंस अगेन चेन्नई। ओके, सो गाइस, ये लोकेशंस आपको ध्यान रखना है, और लोकेशन तो चलो नाम से लोकेशन तो क्लियर ही हो जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन फंसेंगे वो क्वेश्चन कौन से फंसेंगे, कैसे फंसेंगे। ओके, दैट इज तेलुगु एंड कन्नड़। तो क्या इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है? यस। नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, और बेसिक वहां पर लैंग्वेजेस का किया है दी तेलुगु एंड कन्नड़। किसने बनाया है? HRD मिनिस्ट्री, कभी 2011। ठीक, देन तमिल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस CICT। ओके, ऑब्वियसली तमिल की बात है तो चेन्नई में ही होगा। नाम क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। ओके, इट डजेंट मैटर इफ यू आर फ्रॉम, ओके ओके, गॉट इट। चलो, फाइन, ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। सो द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ओके, हाउ वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, ओके, व्हाट यू गेट द बेनिफिट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेजेस। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी डू गेट व्हेन वी डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द क्लासिकल लैंग्वेज। सो द UGC ऑल्सो अवार्ड्स द रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोमोटिंग दीज लैंग्वेजेस। ओके, अगर आप बात करोगे जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने रिप्लाई दिया, इन द लोकसभा, तो उसमें क्या बताया गया कि भाई अगर किसी एक लैंग्वेज को हमने क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है, ओके, तो उसका जो खासियत है उसको आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट जो है उसको भी फंड किया जाता है। ओके, ऑल्सो अवार्ड्स द रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर प्रोमोटिंग दोज लैंग्वेजेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द UGC रिलीज फंड्स वर्थ ₹56.74 लाख 2016-17 एंड 95.67 लाख इन 2017-18, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से। तो अगर आप देख पा रहे हो, सो फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, एक जिसे इकोनॉमिक सपोर्ट कह रहे हैं हमारे पास वो भी है, और उसके साथ ही साथ हमारे पास जो जिसे हम कह सकते हैं दैट इज द सोशल और द पॉलिटिकल सपोर्ट, हमें वो भी दिया जाता है व्हेन एनी लैंग्वेज इज डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, गॉट इट एवरीवन? फाइन, ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, सो वी नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी हैव गॉट, द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। सो इंडिया इज होम टू हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, नो डाउट मोस्ट लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया बिलोंग ईदर टू द इंडो आर्यन और द द्रविडियन फैमिलीज, ओके, या इंडो यूरोपियन। तो हमारे पास जो मेजर जो फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की इंडिया में, मेजर जो फैमिलीज हैं लैंग्वेजेस की वो कौन कौन सी हैं? ओके, तो हमारे पास क्या है? इंडो आर्यन, द्रविडियन या इंडो यूरोपियन। ठीक, ये जो लैंग्वेज फैमिली है क्या क्या है? इंडो आर्यन, ठीक, द्रविडियन और इंडो यूरोपियन। तो आइए देखते हैं सबका जो डिस्टिंक्शन है उस पर बातचीत करते हैं। द इंडो आर्यन लैंग्वेज, गाइस, फैक्ट्स, प्लीज रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट द फैक्ट्स। ओके, द इंडो आर्यन। भैया सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं, सर दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, ओके, इंक्लूडिंग हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमीस, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी एंड पंजाबी, कवर अबाउट 3/4, ओके, दिस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ओके, 3/4 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इट इज हियर विद द इंडो आर्यन लैंग्वेज। गाइस ध्यान रखना, जो मेजर लैंग्वेजेस हम देख रहे हैं, इनफैक्ट द नॉर्थ इंडिया, ओके, अगर आप बात करोगे नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी कौन सी हैं? इंडो आर्यन, स्पेसिफिकली मेजरली नॉर्थ इंडिया, इसमें डेक्कन भी इंक्लूड हो रहा है, हमारा ईस्टर्न पार्ट भी इंक्लूड हो रहा है, ओके, बट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द नॉर्थ और द नॉर्थ वेस्ट,
ओके या द अपर पोर्शन ऑफ द नेशन, ओके दैट इज टुवर्ड्स डोमिनेटेड बाय द इंडो आर्यन लैंग्वेज, ओके द अपर पोर्शन ऑफ द नेशन दैट इज इंडिया, ओके इट इज डोमिनेटेड बाय द इंडो आर्यन ग्रुप, ओके तो क्या है यहाँ पर, हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, चलो वो तो ठीक है डन, लेकिन जो नाम आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दें दैट इज ओडिया एंड आसमीज की, ये ईस्टर्न पार्ट में चले गए, बट पॉइंट इज वी आर कवरिंग द वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द डायमेंशंस, ओके वी आर कवरिंग व्हाट द ईस्ट द वेस्ट एंड द ईस्ट ऑफ द डायमेंशंस, ओके सो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है हम, बिल्कुल राजस्थानी भी बोल रहे हैं, गुजराती भी बोल रहे हैं, क्या हम ईस्टर्न लोकेशंस पर जा रहे हैं, बिल्कुल हम जो है उड़िया बोले तो हम उड़ीसा की तरफ चल रहे हैं, आसमीज बोले तो हम आसाम की तरफ चल रहे हैं, वही आसाम जहां पर बिहू करके एक डांस है, जानते हो ना बिहू की खासियत, नो डिस्क्रिमिनेशन, अ डांस, अ फोक डांस ऑफ इंडिया परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड विमेन, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल, ठीक है, तो वही आसाम भी हमारे पास, उड़िया भी है, ठीक, फिर उसी ईस्टर्न पार्ट के अंदर हमारा वेस्ट बंगाल भी है, ठीक, तो बंगाली भी बोली जा रही है, फिर हम डेक्कन में भी चलेंगे, मराठी भी बोलेंगे, हम हिंदी तो बोल ही रहे, राजस्थानी और गुजराती भी बोलेंगे, और साथ ही साथ देखो हम अपने ताज पर भी चलेंगे, कश्मीरी भी बोलेंगे, और नॉर्थ वेस्ट में राजस्थानी और गुजराती के बाद सिंधी भी बोल रहे हैं, दैट इज टू द एरिया ऑफ राजस्थान एंड द मालवा रीजन फेमस फॉर द सिंधी लैंग्वेज, ओके कश्मीरी भी बोल रहे हैं, और उसी नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में जब हम लोग थोड़ा सा वेस्ट से जब हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा हिल्स को क्रॉस करते हुए अपने सेंट्रल प्लेट्यू पर, तो पंजाब भी पड़ेगा, राइट, सो पंजाबी भी बोलेंगे, कश्मीरी भी बोलेंगे, संस्कृत भी बोलेंगे, सारी लैंग्वेजेस बोलेंगे, ठीक है, सो जब मेजर लैंग्वेजेस 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन, इट कवर्स व्हाट द इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, ओके सो गाइज प्लीज रिमेंबर, हिंदी राजस्थानी गुजराती सिंधी द नॉर्थ वेस्ट, ओके हिंदी फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट तो सब जगह चल ही रहा है, हम ताज पर चल रहे हैं, यस कश्मीर पर भी चल रहे हैं, कश्मीरी भी बोलेंगे, ठीक, हम ईस्टर्न रीजन में चल रहे हैं, यस बिल्कुल चल रहे हैं, बंगाली भी बोलेंगे, उड़िया भी बोलेंगे और असमीज भी बोलेंगे, और इन सब की जननी, इन सब की मम्मी, इन सब की अम्मी कौन है, संस्कृत, हम वो भी बोलेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें पंजाबी भी बोलेंगे, इज दैट क्लियर एवरीवन, ओके नहीं मिल रहा है सब, कश्मीरी में नहीं, देखो लड़कों के लिए कहीं कहीं कुछ है, ठीक है, वहां हम देख रहे हैं रॉफ डांस किया जा रहा है, या वत्तल ट्राइब जो है एक डांस कर रहे हैं, ठीक है, सो कुछ कहाँ हमारे लिए, किधर आओ मध्य प्रदेश में आओ, मटकी चल रहा है, हैं कहाँ कहाँ ही कुछ है, कथक देख लो, कथक कली देख लो, कहीं कुछ है, कहीं कुछ छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा है, ठीक है, जाने तो एकाक जगह कहीं मिल जाता है तो मिल जाता है, ठीक है, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस इन हिंदी सर, इन हिंदी क्लासिकल लैंग्वेजेस, मतलब समझा नहीं यार मैं आपका क्वेश्चन, ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं, द लैंग्वेजेस ऑफ सदर्न इंडिया दैट इज तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, दे ऑल बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, ठीक, सो इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वन हियर, सो लैंग्वेज इन इट्स लिटरली मीन्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, कलेक्शन ऑफ साउंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव द सेम मीनिंग, सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, गाइस लैंग्वेज दो आपको पता है क्या होती है, लेकिन डेफिनेशन अगर बोलें तो डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे, तो अगर एस्से में आप कहीं लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो ये वाला लाइन अगर आप लिखते हो ना तो बड़ा खूबसूरत हो जाता है, ओके क्या लोगों को क्या है सर, कहीं भी डांस कर लेंगे फिट, डॉक्टर स्ट्रेंज या आपने बहुत प्यारी बात बोली है, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, हाँ सर प्लीज सर यहीं पे वाइंड अप कर दीजिए, अरे फिरदौस साहब आप सो जाइए ना, टेंशन क्यों लेते हैं आप, कल कर लीजिएगा क्लास, अभी हमारा लंबा चलेगा थोड़ा सा, ठीक है अभी कुछ देर रहेंगे हम, टिके रहेंगे, ठीक है, ओके यस माय फेव वन ऑल क्लियर फेव, ओके भैया ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल है क्या, यस भैया ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल है, ओके अरे फिरदौस साहब आप बाद में कर लेना यार क्लास, ऐसा टेंशन क्या है, ठीक है अनुज आपका कमेंट ये अच्छा लिखा है आपने, बहुत प्यारी बात लिखी, मुझे बहुत पसंद आई आपकी बात, ठीक है लेकिन प्लीज ऐसी बकवास बात दोबारा ना करें, ठीक है ये यार देखो ये जो लिखा है ना आपने, आप हमारे ताज के बारे में बात कर रहे हैं और सर के ताज के बारे में, देखो
हिंदुस्तान के किसी भी कोने के बारे में बोलोगे वो जायज तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सर का ताज है हमारा कश्मीर, ठीक है, और वो जो आपका स्टेटमेंट है, सच बोलूं तो वंस अगेन इट्स वेरी डिजास्ट्रस यार, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, प्लीज टेक बैक दैट स्टेटमेंट ऑफ योर्स, ठीक है ना, जन्नत है वो जहाँ बहुत खूबसूरत और बहुत एक रिच कल्चर है, ठीक है, एंड द पीपल दे आर द मोस्ट लविंग पीपल, सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट, इट्स कश्मीर, ताज है हमारा, ठीक है, घमंड है हमारा, पहली चीज है ना, ध्यान रखना, ओके, यस डॉक्टर स्ट्रेंज, फाइन, ओके, सो द लैंग्वेज, द द्रविडियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन ट्रेडिशन, इंडो यूरोपियन फैमिली से एक और लैंग्वेज हमारे पास क्या है, द्रविडियन, ओके, ध्यान रखना इस बात का, तो द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सी है हमारे पास, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ द नेशन, कूल, सो आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज फैमिली, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लैंग्वेज फैमिली, व्हाट इट इंक्लूड्स, ओके, सो इट इंक्लूड्स लैंग्वेज, ओके, रिलेटेड टू थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर दैट एग्जिस्टेड बिफोर द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ओके, क्या क्या हुआ, क्या सैफ्रॉन है, ओके, यस बिल्कुल, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी हिंदुस्तान है हमारी ना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, हम बोलेंगे इसको जरा बदलो, कश्मीर से कन्याकुमारी गलत है, काराकोरम से इंदिरा कोल है हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, काराकोरम रेंज से इंदिरा कोल तक चलेंगे हिंदुस्तान जो होगा ना, इट द फ्लैग शेल फ्लाई फ्रॉम अटक टू कटक, है ना, अटक से कटक तक फैलेगा तिरंगा, लहराएगा तिरंगा, है ना, और एक रोज जरूर लहराएगा, याद रखना द स्टेटमेंट, आप पढ़ोगे अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी ने दिया, द फ्लैग शैल फ्लाई फ्रॉम अटक टू कटक, ओके, एंड आई शैल सी देम, राइट, कूल, चलो सर ये सब कहां से आते हैं, अबे भाई अब कुछ तो आएंगे, ठीक है, चलो सर अपना कोई शहीद हो गया है क्या यार मेरे भाई, ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड जंग है, ठीक है, लेकिन जंग हमारे और गलत, सही और गलत के बीच है, किसी लोकेशन से नहीं है हमारी जंग, ठीक है, ध्यान रखना, हमारी जंग जो है ना सरहद पार है, सरहद के अंदर नहीं है, गाइस ध्यान रखना, ओके, ठीक है अनुज, माय डीपेस्ट सिंपथीज ब्रदर, ओके, यस फॉर श्योर इट्स नॉट सो फाइन थिंग, ओके आई अंडरस्टैंड दैट, बट यस ध्यान रखना इस बात का कि हमारी जो जंग है ना वो सरहद पार है, सरहद के अंदर नहीं है ना, काराकोरम से इंदिरा कोल तक जो भी है ना वो हिंदुस्तान है, और यहां रहने वाला ना इंडियन है, भारतीय, हिंदुस्तानी है, ठीक, एंड वी आर प्राउड, चाहे वो काराकोरम में रह रहा हो, एक बात ध्यान रखना गाइस, एक थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक बात बोलना चाहूंगा, जब भी आप ये सारी चीजें देखो ना, मैं बस एक सिंपल सी बात बोलूंगा यहाँ पे, आप सब लोगों को बोलूंगा कि जब भी आप ये सारी चीजें देखो, जब भी आप बात करोगे रिलीजन की, रीजन की, कास्टिज्म की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, कास्ट डिवाइड, कम्युनिटी डिवाइड, इन सब की, तो जरा एक दफा एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के बारे में सोचना, ठीक है, वो एक इंसान जो कि अकेला एक इंसान नहीं है, पूरी मिलिट्री है, ठीक है, जिसे हम इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री कहते हैं, राइट, ओके, जो मेरा सोल्जर है ना उसका नाम कुछ भी हो, वो पगड़ी वाला हो, वो दाढ़ी वाला हो, वो टोपी वाला हो, वो टीके वाला हो, वो वर्दी पहनता है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में, अपने समझ में हम कहते हैं सुपर हीरो, ओके गाइस प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, द मैसेज आई एम ट्राइंग टू कन्वे, व्हेनेवर यू फील लाइक
इंडिया में ये डिवाइड है, वो डिवाइड है, ये सही है, वो गलत है, ये रीजन अच्छा है, वो रीजन बुरा है, यहाँ के लोग ऐसे, वहां के लोग वैसे, ऐसी फालतू बकवास धकियानुसी बातें बोलने वाले न जाने कितने लोग हैं। इनको तो मैं ढूंढता हूँ, बात करता हूँ मैं इनसे अच्छे से कायदे से। लेकिन एज टू यू, टू माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टू माई यूपीएससी एस्पिरेंट्स, टू माई डियर यू नो स्टूडेंट्स, टू एवरी वन दोज हु आर हियर फॉर द यूपीएससी और एनी ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट, ओके, टू यू, रिमेंबर, वो जो वर्दीधारी है ना, उसकी पोस्टिंग कहां होती है, जरा कभी सोचा है उसके बारे में? रण ऑफ कच्छ में पोस्टिंग है हमारे सोल्जर्स की, 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47, 48 डिग्री तक का टेम्परेचर है, वर्दी पहन के, बूट पहन के, बंदूक तान के, है ना, उस तपती धूप में, जलती रेत में वो मेरा सुपर हीरो अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है। ठीक, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट के हिल्स, ठीक है, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, सेंट्रल प्लेट्यूज के डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के नाम पर जब हम जाते हैं सोचते हैं अरे भाई सांप बिच्छी बना बिच्छू बिच्छू पता नहीं क्या होगा, जंगल में शेर होगा, भालू होगा, चीता होगा, मार के काट खाएगा, वहां पोस्टिंग है हमारे फॉरेस्ट रेंजर्स की, हमारे आर्मी मैन की, राइट, वो पोस्टिंग है उनकी वहां पर, वो ड्यूटी दे रहे हैं, सेम वही वर्दी, ठीक, बारिश है, धूप है, कुछ भी है, काराकोरम जिसका नाम अभी हमने लिया, सियाचिन जिसका नाम हम लेते रहते हैं, राइट, वहां पोस्टिंग है, -10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर है ना, यहाँ 4 डिग्री, 5 डिग्री में ना आदमी सिकुड़ के बैठा रहता है, कंबल से बाहर नहीं निकलता है ना, -2 डिग्री, 3 डिग्री में उस टेम्परेचर में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो ड्यूटी कर रहे होते हैं, ठीक है, और बहुत कायदे से पता होता है, व्हाट इज द गारंटी ऑफ लाइफ, जीरो, व्हाट इज द गारंटी ऑफ लाइफ, 0%। तो उस एक सुपर हीरो की ना इमोशन को समझो, उस एक सुपर हीरो के ना एक वैल्यू को समझो, वो इसलिए तैनात है वहां पर कि मेरा हिंदुस्तान है ना, जिस सर नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, है ना, बस एक ही बात बोलता है वो सुपर हीरो, वो अपने हिंदुस्तान के लिए बोलता है, वो ये नहीं बोलता कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा पिंड, नहीं, वो मेरा राज्य नहीं बोलता, मेरी भाषा बोलने वाले लोग नहीं बोलता, वो बोलता है मेरा हिंदुस्तान, जब वो बोलता है ना कि हिंदुस्तान मेरा है, तो उस सोल्जर की इमोशंस की जिम्मेदारी मेरी, अगर उस सोल्जर ने मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली है ना, तो मैंने भी जिम्मेदारी ली है उस सोल्जर के इमोशंस, उस तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखने की, तो वो रखो, ओके गाइस, सो प्लीज रिमेंबर व्हाट वी हैव गॉट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अनडाउटेडली, राइट, वी आर हियर बिकॉज दे आर ऑन, बिल्कुल, दे आर ऑन ड्यूटी विथ अटमोस्ट ब्यूटी ऑफ ब्रेवरी, व्हाट आई कॉल देम, ओके, दे आर ऑन ड्यूटी विथ अटमोस्ट ब्यूटी ऑफ ब्रेवरी, राइट, वो बस उसी खूबसूरती में है, किस खूबसूरती में, ब्रेवरी की खूबसूरती में, है ना, दे लाई इन द ब्यूटी ऑफ इंडिया, इंडियनिज्म, ओके, सो रिस्पेक्ट दैट एंड वेर एवर यू आर रीजन। सर क्या, ओके, डिफरेंस क्रिएट नहीं, ओके, पाकिस्तानी, दैट्स वॉट आई कॉल इट, राइट, कि हमारी जंग ना सरहद पार है, सरहद के अंदर नहीं, ये मुल्के हिंदुस्तान है, ठीक है, सभी का खून मिला है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान मेरा है, तुम्हारा है, हम सब का है, ठीक है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ध्यान रखना, ठीक है, और जब तक ये जज्बा नहीं जगाओगे ना, यूनिटी का, फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का, जस्टिस का, लिबर्टी का, तब तक आई एम सॉरी टू से यूपीएससी क्वालिफाई तो नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज दैट इज, यूर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द नेशन, सॉरी, ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द नेशन, द ग्रैंडेस्ट सर्विस ऑफ द नेशन अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री, उसका कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करोगे, द ग्रैंडेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ द नेशन, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस, फॉरेस्ट, फॉरेन रेवेन्यू, रेलवे, ट्रैफिकिंग सर्विसेज एंड ऑल, राइट, ये वो हैं, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक देशभक्ति का जज्बा, द पैट्रियोटिज्म दैट लीड्स यू टू वर्क हार्ड, ओके,
The patriotism that provides you that spark. Yep, you heard it correct. Okay, so until and unless you are patriot, you cannot qualify the UPSC. कितना भी हार्ड वर्क कर लो, ठीक है, घंटा नहीं होगा, है ना. वो देशभक्ति जाने कि जिस सर नजर जाए मेरा हिंद नजर आए, बस ध्यान रखना. गॉट इट एवरीवन. आज वो जागते हैं सरहद पर, तभी हम सोते हैं घर पर. एग्जैक्टली. एक अरमान है हिंदुस्तान. बिल्कुल, चलो ठीक है. हाँ सच बोले आप, बिल्कुल. यूनिटी बेस्ट वेपन अगेंस्ट द चाइनीज अग्रेशन. कौन है रे चाइना, है ना. देखो देखो, चाइना पाइना का डर नहीं रहता हम लोगों को, है ना. देखो सिंपल सी मैं आपको बताऊं कि मुझे इंडिया पर, मैं कहता हूं ना, प्राइड. जैसे कि आज मैम आई थी, मीना मैम, उन्होंने क्या बोला, दैट एज व्हाट वी से द प्राइड. नो, लेट द प्राइड बी फॉर चाइना पाकिस्तान एंड ऑल. लेट्स प्राइड इज नॉट द वर्ड फॉर अस. प्राइड जाने दो, वो छोटा सा है. अपने लिए क्या बनना है, ईगो. दुनिया भर की तमाम सुपर पावर्स मिलकर झुकाना चाहती हैं इस अकेले हिंदुस्तान को. घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाती हैं, ठीक है. चाइना पाकिस्तान मिल गए, हाथ मिला लिया, सीपीईसी पीपीईसी पता नहीं क्या बना लिया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, बीआरआई ओबोर फोबोर पता नहीं क्या बना रहे हैं. हम सामने से काटते हैं. 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अकेले टक्कर देती है. समझ रहे हो पूरी बात को. 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वर्सेस 2.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड स्टिल वी डोमिनेट द पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. घंटा नहीं चाइना की इतनी औकात है कि आए हमसे माइक्रो एशिया में जो है बहस कर सके. कितना 9-line 10-line से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक आ जाए, हम अकेले खींच लाएंगे उसको इंडो पैसिफिक की तरफ. कहेंगे अब बता, ठीक है, कहां ये पावर है, किसकी, पॉलिटिक्स की. लॉल, लाफ आउट लाउड. ये पॉलिटिक्स है डिप्लोमेसी, ये पावर है डिप्लोमेसी की. द ब्यूरोक्रेट्स, द बेस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन, दैट्स यू. टुडेज कैंडिडेट, टुमारोज ब्यूरोक्रेट. ओके, इतनी सी बात ध्यान रखना. ओके, टुडेज कैंडिडेट, टुमारोज ब्यूरोक्रेट. लिख लो ये लाइन अपने जहन में. आज कैंडिडेट हो, कल ब्यूरोक्रेट हो, और तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी का जो पावर है ना, ये अकेले शी जिनपिंग और इमरान खान का ना पेट खराब करने के लिए काफी है, ठीक है भैया. क्या क्या करें, इनको हराए कैसे. ओके, सो दैट्स द लॉजिक वी हैव टू अंडरस्टैंड. गॉट इट. हाँ सर, प्लीज लैंग्वेज सर, सम सॉफ्टनेस सर, सॉरी इट फील बैड. हाँ लैंग्वेज सर, लैंग्वेज ही तो बोल रहा रे मैं. हाँ ठीक है, चलो कूल एवरीवन, गॉट इट. चलो ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है. सो शी तो इतना प्यारा है, शी बहुत प्यारा है ना. चलो जी सर, ओके गॉट इट. आइए तो फिर लैंग्वेजेस पर चलते हैं वापस. ओके, सो अ लैंग्वेज फैमिली इंक्लूड्स languages related through a common ancestor that existed before the recorded history and a dialect. Dialect bole to boli. Guys, dhyan rakhna, there is difference between language and boli. Theek hai? So, language, jiska written or oral dono form hai, boli. Okay, that is dialect. Jiska written form nahi hai, bas oral form hai. Okay, so dialect is a form of local language spoken in a limited area. It should be noted that several dialects can be derived from a common language. Like for example, we have got the dialects. Hindi se nikle huye alag alag boli. Like we got Haryanvi, we got Bhojpuri. To agar aap baat karoge Haryanvi aur Bhojpuri ki. Okay. To ye kya hai? Language hai bilkul. Lekin language ke definition mein fit nahi hai. Ye kya hai? Boli. हाँ सॉफ्ट वर्ड, पोलाइट वर्ड सर, वही तो बोला रे मैंने, कौन सा हार्श वर्ड ले लिया, हमें हार्श वर्ड आता ही नहीं कोई. ओके ऑल एवरीवन, हम में पोटेंशियल है तभी सारे दुश्मन. बिल्कुल समझ गए दादा, ब्यूरोक्रेसी, एब्सोल्युटली फाइन. ओके, प्राउड टू बी एन इंडियन, एब्सोल्युटली तबरेज भाई, प्राउड टू बी इंडियन, राइट. सो गाइस, डायलेक्ट, डायलेक्ट का क्या सीन रहेगा, बोली और भाषा. भाषा बोले तो जिसका रिटन और ओरल दोनों कंपोनेंट है, और बोली बोले तो रिटन कंपोनेंट नहीं है, ओनली दी ओरल है, और ये किसी भाषा से निकली हुई है. लाइक फॉर एग्जांपल दी भोजपुरी एंड हरियाणवी.
रिटन इसका नहीं है, स्क्रिप्ट इसकी क्या है, हिंदी ही है, ठीक है, देवनागरी में ही लिख रहे हैं मैं इनको, ओके हाँ, लाइक अवधि, यस बिल्कुल, अवधि, भोजपुरी, हिंदी, ठीक है, दे आर ऑल व्हाट, सॉरी दी हरियाणवी, दे आर ऑल व्हाट दी बोली, द डायलेक्ट, ओके सो द लैंग्वेजेस स्पोकन इन द सब कॉन्टिनेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल लैंग्वेजेस फैमिली बट मोस्ट ऑफ देम दे आर दी इंडो आर्यन, ओके मोस्ट ऑफ देम दे आर दी इंडो आर्यन, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज फ्रॉम दी वेस्टर्न पार्ट टू दी ईस्टर्न, राइट. The Indian Constitution 1950 declared Hindi in Devanagari script to be the official language of the Union, and it was provided in the Constitution of India that English shall continue to be used for all official purposes until January 25, 1965. Okay, but the complete language over to Hindi was not practicable within the stipulated time, so hence this particular date was extended. Okay, so guys, what is the national language of India? Come on, guys. What is the national language of India? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? Okay. Good evening, sir. Good evening, Amit. Come on, guys. Ghostly, yes. Okay. What is the national language of India? भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? जल्दी से बताइए. हिंदी. Okay. हिंदी. Not confirm. Okay. Come on, guys. What is the national language of India? Jaldi, jaldi batao. No national language. Hindi. Okay. Hindi. No national. No national. Okay. Fine. Guys, good. Jin logo ne likha hai, not mentioned. You are not... okay. Hindi is not the national language of India. India doesn't comprises of any national language. We are unity in diversity. Dhyan rakhna is baat ka. India doesn't comprises any national language. Okay, we have got the official languages, that is Hindi as well as English. Please remember. Okay, हमारे यहाँ कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है. क्या है हमारे यहाँ? Okay, what we have got? The official language, not the national language. ठीक? बस इतनी सी बात ध्यान रखना आपको. So English, in addition to Hindi, continued to be used for all official purposes. Okay. Article 343, Clause 1 of the Indian Constitution specifically mentioned that the official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. Guys, dhyan rakhna, yahan pe kya likha hai? Official language under Article 343, Clause 1. Okay. That's it. No national language. Okay. No national language. What we have got? The official language. And what are the numbers, the form of numerals to be used? Okay, that will be the general one. Okay, the international form of the Indian numerals. Bole to 1, 2, 3, or what we have got, the Roman numbers. Okay, then next. There are 22 languages that have been recognized in the 8th schedule of the Indian Constitution. Part 18 of the Indian Constitution deals with the official languages of India from Articles 343 to 351. Okay, guys, ध्यान रखना, classical languages अलग हैं, ठीक, और official languages अलग हैं. जो अभी तक हम बात कर रहे थे, those 6 languages, they were considered as the classical one. Right now, we are dealing with what? We are dealing with the official languages. Okay? Yes, sir. Okay. अमित भाई, आप हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं यार? थोड़ा हमें भी हंसाइए, हंसने का एक जो कॉम्पोनेंट, जो कॉन्सेप्ट है, जरा हमें भी हंसाया जाए. ठीक है, नो नेशनल लैंग्वेज. ओके, यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेचर. यस, ऑब्वियसली ना, वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना. हम जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो हम कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज, हम नेशनल लैंग्वेज रखें? हमारे यहाँ तमाम लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं. ठीक, सो दैट इज वॉट वी हैव गॉट. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज स्पीकिंग हिंदी. ठीक, the majority of the population was speaking Hindi, so Hindi was given the name of the official language. Okay, and apart from that, English. Take? Okay, classical language, official language is under 8th schedule. Okay, main jab prime minister banunga to national language Hindi karunga. Anuj bhai, theek hai, good, done. You will get the support from your council of ministers. Okay,
सो ओरिजिनली ओके देवर 14 लैंग्वेजेस, ओके अभी कितने हैं? 22. ओके ओरिजिनली देर वर दी 14 लैंग्वेजेस, राइट नाउ वॉट वी हैव गॉट दी 22 लैंग्वेजेस. ओके, तो अगर हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की एंड रिकॉग्निशन इन स्टेट, तो यहाँ पर हमारे साथ हैं, ठीक है सर, बहुत ठंडी है. हाँ मेरे भाई, ठंडी बहुत है, ठीक है, लेकिन अब कंबल वंबल है, हीटर वीटर ब्लोअर वगैरह चलाओ, मस्त आराम से बैठो, क्लास व्लास करो, चाय वाय पीने का, ठीक है. अभी 10 मिनट में एक ब्रेक देंगे आप लोगों को, 5 मिनट का, मस्त फटाक से भाग कर जाना, चाय वाय बनाकर आना, ठीक है. ओके, सो गाइस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है ना, तो आसामीज कहाँ कहाँ पर है? आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, बंगाली, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, बोडो, आसाम, डोगरी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. गाइस ध्यान रखना, कश्मीरी इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज डोगरी. ओके, ब्रेक नीचे ये सर, डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे चाहिए. ओके, आप देखिए, आप डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, आपके हाथ में समय काटा है, आप यूं करके ऐसे ऐसे घुमाएंगे वो, थोड़ा वैसे बाहर ऐसे बर्गर पैटी सब ले आएंगे, हम खुद जाके बनाना बनाना पड़ेगा ना. ओके, गॉट इट सर. हाँ सर, बताइए सर, क्या हुआ सर? हाँ ऐसे ही जो खींच रहे हो तुम लोग, बढ़िया है ना. ओके फाइन, सो डोगरी, ओके ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. गुजराती कहाँ कहाँ पर है? गुजरात तो चलो ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, जिनको अब यूनाइट कर दिया गया. हिंदी, तो अगर आप बात करोगे हिंदी की, ओके सो बहुत सारे एरियाज हैं हिंदी जो बोल रहे हैं. सो कहाँ कहाँ पर चल रहा है? अंडमान एंड निकोबार, बिहार, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड एंड WB, बोले तो वेस्ट बंगाल. ओके सो दैट इज ऑल, आप जैसे बोल रहे हो वो और भी बढ़िया है. हाँ सर, 2 मिनट सिर्फ मैगी बनेगी अब. हाँ भाई बनाओ मैगी 2 मिनट में. कौन लोग हैं ये 2 मिनट में मैगी बना देते हैं भाई? दुनिया का सबसे बड़ा फरेब है, स्कैम है, 2 मिनट में मैगी बनाना, है ना? ठीक, मल्टीवर्स में चले गया, देखा मैंने ट्रेलर, ठीक है राइट, है ना. दुनिया का जो दुनिया जहां का जो सबसे बड़ा स्कैम है ना, वो है 2 मिनट में मैगी बना दिखाओ, ठीक है, बना के दिखाओ, अपनी 99% जायदाद जो है पूरे 1499 रुपये तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है सर. आप कहाँ रहते हैं? अरे हम बिल्कुल, हम देश की राजधानी में हैं, आइए ठीक. वो कह तो रहा हूँ 2 मिनट नूडल, भाई स्कैम है वो, कोई 2 मिनट में ना बनती, ठीक है सर. प्लीज सजेस्ट अस अ डाइट प्लान फॉर स्टडी कॉन्शियसली. ओके फिर दोस्त, अभी बताता हूँ, है इसका कुछ नहीं ऐसे ही, अच्छा ओके चलो ठीक है, ऐसे ही बोलो बोलो ठीक. ओके सो कश्मीरी, ओके व्हाट वी हैव गॉट, डोगरी एज वेल एज कश्मीरी, किधर? जम्मू एंड कश्मीर. देन कोंकणी, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड द कोंकण कोस्ट. मैथिली, बिहार एंड झारखंड. गाइस डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके सो मलयालम, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, मणिपुरी, मणिपुर, मराठी, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, नेपाली, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, दे आर ऑफिशियली यूज्ड देयर, उड़िया, उड़ीसा, पंजाबी, पंजाब, चंडीगढ़, ओके एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, संस्कृत, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, संताली, झारखंड एज वेल एज इन द स्टेट ऑफ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, सिंधी, गुजरात, महाराष्ट्र, स्पेसिफिकली उल्हासनगर. ऐसे ध्यान रखना, सिंधी का जो घर है या गढ़ है वो क्या है? उल्हासनगर. एंड तमिल, वी गॉट तमिलनाडु एंड पुडुचेरी. ओके ओके, चाइना के क्या, ठीक है भाई बनाओ बनाओ सर. नॉर्थ ईस्ट में कौन, देयर नॉर्थ ईस्ट वी हैव गॉट मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है,
बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, एक नहीं है, बहुत सारी हैं, हर स्टेट के अपने अलग अलग हैं, तो अभी उन सब पर बातचीत करेंगे, डोंट वरी। ओके सर, उड़ीसा की स्पेलिंग गलत है। ओके, अच्छा ये उड़ीसा पुराना वाला आ गया है, ठीक है चलो इसको हम क्लियर कर देते हैं, दैट इज उड़ीसा, फाइन चलिए। ओके ओके चलो दिया चैलेंज। हाँ बनाओ, एक काम करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 120 सेकेंड है, जाओ बनाओ मैगी, ठीक है 120 सेकेंड है, जाओ बनाओ मैगी। ओके सो गाइस, द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, तो क्या क्या है हमारे पास, सो इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, साइनो टिबेटन ग्रुप, नेग्रोइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। ओके सो गाइस, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके सो 6 है हमारे पास, ओके इंडियन लैंग्वेजेस की जो क्लासिफिकेशन है, आइए बात करते हैं। सो इंडो आर्यन ग्रुप, तो अभी हमने बात किया है इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में, सो हियर वी गो विद द फैक्ट्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ द लार्जर इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच केम टू इंडिया विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस। ओके विद द ओके सो विद द एडवेंट ऑफ द आर्यंस, इट इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया एंड अराउंड 74% इंडियंस स्पीक दोज लैंग्वेजेस। आपको याद ही होगा लैंग्वेजेस कौन कौन से थे हमारे, दैट इज फ्रॉम होल ऑफ द नॉर्थ वेस्ट टू द ताज टू द नॉर्थ टू द ईस्ट। ओके देन आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, दिस ग्रुप हैड इट्स डेवलपमेंट अराउंड 1500 बीसी। ओके द इंडो आर्यन ग्रुप हैड गॉट इट्स डेवलपमेंट अराउंड 1500 बीसी एंड संस्कृत वॉज बॉर्न अराउंड दिस पीरियड। ओके सो गाइस, संस्कृत बिलोंग्स टू दिस इंडो आर्योपियन ग्रुप, बोले तो ओल्ड इंडो आर्योपियन ग्रुप, ठीक है इंडो आर्यन ग्रुप। सो द एंशियंट फॉर्म ऑफ संस्कृत विच इज फाउंड इन वेद पुराण एंड उपनिषद हैज एमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम इटसेल्फ। ओके वेद पुराण और उपनिषद, दैट इज द ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप। ओके कौन सी लैंग्वेज है यहां पर, ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली संस्कृत, ओके इन द फॉर्म ऑफ संस्कृत। ओके सो नेक्स्ट, मिडिल इंडो आर्योपियन ग्रुप। ओके मिडिल इंडो आर्योपियन ग्रुप में अगर आप बात करोगे, सो वी हैव गॉट अ लैंग्वेज नोन एज प्रकृत। ओके मिडिल इंडो आर्योपियन ग्रुप की जब हम बात करेंगे, सो वी हैव गॉट अ लैंग्वेज नोन एज प्रकृत विच वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके गाइस ध्यान रखना, मिडिल इंडो आर्योपियन ग्रुप एक है ओल्ड, तो फिर दूसरा आया है मिडिल। ओके मिडिल इंडो आर्योपियन ग्रुप में क्या रहेगा, प्रकृत। ओके संस्कृत से अलग है प्रकृत। ओके सो प्रकृत वॉज ऑल्सो द मदर लैंग्वेज फॉर अदर लैंग्वेजेस सच एज पाली, अपभ्रंशा, अर्धमगधी, एंड पाली वॉज वन ऑफ द मेन लैंग्वेजेस यूज इन दी बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट, दैट इज द बुद्धा हिमसेल्फ प्रीज्ड दी पाली लैंग्वेज। आपको याद होगा जब हम पेंटिंग्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे अपभ्रंशा और पाली दो टेक्स्ट, दो लिटरेचर्स आए थे। ओके कि अपभ्रंशा और दी पाली, ठीक है सर डाइट प्लान, अरे रुको जरा सबर करो, सब देंगे, डाइट प्लान भी देंगे, स्टडी प्लान भी देंगे, घूमने फिरने का भी प्लान देंगे, ठीक है राइट। सो मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप क्या रहेगा यहाँ पे, प्रकृत। ओके गाइस अभी जैसा है ना, अभी आगे बढ़ने से पहले, ठीक है सभी लोग मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आगे बढ़ने से पहले अभी कैसा है, मुझे लगता है एक आध कप आप लोगों को जो है चाय कॉफी की दरकार दे दी जाए, एक आध, ठीक है एक आधा जो है 5-7 मिनट का ब्रेक ब्रेक ले लिया जाए, क्या कहते हो। हाँ व्हाट से गाइस, टाइम टेबल भी ना, टाइम टेबल सबसे पहले देंगे, ठीक है क्या कहते हैं आप लोग, कुछ 2-4-5 मिनट की एक आध जो है ब्रेक ब्रेक लिया जाए, नो नीड, अरे हाँ बोल दो रे प्लीज, ठीक है ना। रूम में लड़ाई हो गई, मार पकड़ गया, अभी आ रहा हूं मैं, है ना, लड़ाई किससे कर ली है ना, नहीं मारपीट नहीं करना है ना, गलत बात, नो वायलेंस, प्रीच नॉन वायलेंस, वी आर फ्रॉम द नेशन ऑफ गांधी राइट, एनर्जी मिल गई उसी से, चलो अच्छा है। हाँ भैया नो प्रॉब्लम, यस सर, ओके भाई बहनों एंड बच्चों सर, अच्छा
पीडीएफ चाहिए दादा? अरे डॉक्टर स्ट्रेंज, ये मत मांगो। यस सर, दादा इसका पीडीएफ दे दीजिएगा। ब्रेक का क्या करेंगे? अच्छा जी, हम ब्रेक का ये करेंगे कि हम ब्रेक में ना एक कप ब्लैक कॉफी बनाएंगे। ठीक है, कम बैक सून सर। ओके चलो, ओके जाइए, कॉफी बनाइए, हम भी आ रहे हैं पीने। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, कोई सर पे चढ़ जाए तो बिल्कुल रिया। ओके ओके, तो आइए ब्लैक कॉफी स्लैक कॉफी बनाते हैं। ओके गाइस, सो वी आर टेकिंग अ हॉल्ट फॉर अप्रोक्स 5 to 7 10 मिनट्स। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स का जो है एक ब्रेक ले रहे हैं। स्ट्रीमिंग हम जरा अभी पॉज कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस ध्यान रखना, जटा फटाक से जाओ। सो इट इज 12:52, वी विल रिज्यूम बाई 1 PM, 1 AM, सॉरी नॉट PM, विल रिज्यूम बैक बाई 1। ओके, सो सी यू गाइस सून। यस प्लीज, आर वी गुड टू गो? Am I audible, guys? Can I have the confirmation? Yep, okay. Guys, can I have the confirmation once? Am I audible? Audible, visible, everything fine? Yes, all okay. Okay, yes, Dada, clear. Okay. Welcome back. यप भाई, वेलकम बैक। ओके सो गाइस, अभी कैसा है ना, वेलकम बैक नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी। सो हमारा जो मैराथन सेशन है अभी के लिए, वो हमें अभी फिलहाल जो है यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। रीजन बीइंग, ओके वेलकम बैक भैया, नहीं वेलकम बैक जो है अभी तो ठीक है। पॉइंट इज, सॉरी गाइस, हमारे पास ना यहाँ पर पावर शॉर्टेज जरा चल रहा है। वी आर रनिंग ऑन द बैकअप पावर। ओके सो थोड़ा सा पावर शॉर्टेज का दास्तान है। ठीक है, सो सॉरी अबाउट दैट। ओके, विल हैव टू एंड अप द सेशन फॉर टुडे। ओके, लैंग्वेजेस और हमारे पास अभी जो मेजर पॉइंट्स जो बच रहे हैं, दैट इज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड ऑल। ओके दादा, रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके, बिकॉज बैकअप पावर पर हम चल रहे हैं। किसी भी टाइम जो है हमारी जो बैकअप पावर है, ये भी टाटा बाय बाय बोल सकती है। ठीक है, सो बिफोर दैट, ओके वी विल हैव टू टेक ऑन द गुड नाइट फॉर द नाइट। ओके सो अभी के लिए इतना ही। सो लैंग्वेजेस के ऊपर की हमारी जो कहानी है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, बट अभी नहीं। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। ओके सो गाइज ध्यान रखना है, हमारे पास जो अभी पढ़ने के लिए हमारे पास है, दैट इज द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड द लैंग्वेजेस। ओके, इस पर हमें चलना है गाइज, ध्यान रखना। ओके बट आज कंटिन्यू नहीं करेंगे हम। ओके, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो इटसेल्फ। डाइट प्लान मेरे भाई कल ही दे पाऊंगा। ओके सो बिकॉज द बैकअप एनर्जी इज हियर एंड इट कुड शट डाउन एनी मोमेंट, एनी टाइम, एनी सेकेंड। ओके सो गाइज प्लीज रिमेंबर, ओके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके एंड प्लीज, ओके सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज रिमेंबर द टेलीग्राम चैनल। क्या है? PMUPSC10। ओके, दिस इज द टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द प्रोमो कोड यू आर गोइंग टू यूज फॉर दियर अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके सो गाइज दैट्स इट विद द सेशन राइट नाउ। सी यू ऑल सून tomorrow in the special sessions and tomorrow night with the marathon again with regard to the rest of the points in the Indian art and culture. Okay, so guys, see you all tomorrow. Bye bye.